हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक बढ़िया सा वीडियो लेके आऊ। आज जो वीडियो है, हम सीपीयू बनाने वाला है जो रेडी टू मैन्युफैक्चरिंग होगा, तो हम इसकी पूरा वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में आपकी 2D 3D असेंबली हम पूरी कवर करने वाले हैं। इसमें कौन सी प्लेट क्या है, इसमें बहुत सारे अंदर बहुत सारे कॉम्पोनेंट रहते हैं, हर कॉम्पोनेंट के बारे में हम डिटेलिंग में बात करेंगे। और इसके हम पूरा असेंबली के साथ क्या क्या प्रॉब्लम आती है, हर चीज हम डिटेल में देखेंगे। तो ये आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जो जो लोग इस नया नया चैनल में जुड़े हो, इसको रिक्वेस्ट है अंत तक देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना, एक मैं स्केच लूंगा, तो स्केच कोई भी ले लेता, ऑफलाइन में लेता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद एक रेक्टेंगल लेना है, यहाँ रेक्टेंगल जो है सेंटर रेक्टेंगल लेंगे। रेक्टेंगल में आपको पहले आप चेक कर लेना आप कौन सी यूनिट में काम कर रहे हो। मैं ऑलरेडी एमएम में काम कर रहा हूँ, तो इसको ऑफ कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे मैं डायमेंशन डाल लेता हूँ। इसका डायमेंशन था मेरा कितने का था, ये आपके थे 335 का, 335 का है ना। और ये वाला था आपका 330, ठीक है। दोनों का हम लोग की डायमेंशन मैंने निकाल लिया। इसको जैसे हमने इसकी रेक्टेंगल निकाल ली है, उसके बाद आपकी क्या करना है, एग्जिट करना है। अब जाएंगे हम शीट मेटल पे, शीट मेटल में जाके बेस फ्लैंज। अब इसकी थिकनेस कितना है आपकी, पहली बात तो थिकनेस निकालना पड़ेगा आपको। तो हम लोग थिकनेस जो है, थिकनेस निकालेंगे इसकी पहले। तो जो थिकनेस है बहुत पतली है ना, तो 0.5 का ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और इसको ओके कर दिया, ठीक है। तो एक मेरा पतला सा शीट यहाँ पे बन के आ गई। अब इसकी शीट से आपको देखना ये है, मेरा टॉप वाला पोर्शन ये था शीट का, जो भी मेरा हाथ में शीट है। पहले हम ऊपर वाले कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाला है इसकी, मैं ऊपर वाला कौन सी मान लू, अभी मेरा ये वाला ऊपर होगा आई गेस। तो आप अगर नहीं पता होता तो आप ऐसे क्लिक करके देख पाओगे, तो आपके ऊपर मिल जाएंगे ऐसे, ठीक है। कभी कभी कन्फ्यूज हो जाती है, तो हम इधर से, अगर आपको नीचे के डायरेक्शन लेना है तो हम ऊपर से लेंगे फ्लैंज, ठीक है। फ्लैंज लिया मैंने, तो मुझे लेना है नीचे की तरफ से मिल ले जाना है। तो मैं नीचे की तरफ से मिल ले गया, और जो मेरा बैंड रेडियस है, तो कितने एमएम जाना है अंदर, 10 एमएम का जाना है मुझे, ठीक है। 90 डिग्री में है, मुझे 10 एमएम ले जाना है, ठीक है। अब इसके बाद आप रेडियस देख लो, आपकी जो डिफॉल्ट रेडियस आ रहा है यहाँ 1 एमएम का आ रहा है ना। तो आप मैं इसको 0.5 के आसपास ले जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है आपको देखना ही है, बाकी सबकी रेडियस अलग अलग है, तो हमको इंडिविजुअल अलग अलग करना पड़ेगा। और आपको जब पहले ड्राइंग बनाती हो, आपको ये देखना होता है आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग यहीं से करूँगा, एट द एंड पॉइंट से। और पोजीशनिंग आप कहाँ से कर रहे हो, बिजली से कर रहे हो, सेक्शन से कर रहे हो, ये आपकी डायमेंशनिंग जो है ओवरऑल लेंथ ज़्यादा हो जाएंगी। तो हम सबसे पहले इसको करेंगे। अब देता ट्रेन बैन आउटसाइड करना ऑप्शन आता है, आपको ऑफसेट लगाना है तो ऑफसेट भी लगा सकते हो, यहाँ से कितने ऑफसेट लगाना है। तो हम जो है कुछ नहीं करेंगे, सिंपल यहाँ पे ओके कर देंगे, ठीक है। तो आपकी ये बेंडिंग जो है हो गया अभी। और उसके बाद जो आता है आपकी साइड में कितने एमएम का है, तो सबसे पहले मैंने इसको कर दिया, तो बोथ साइड से मेरा है, ठीक है, बोथ साइड से मेरा, ठीक है। तो मैं बोथ साइड से करूंगा, यहाँ पे छोटी सी कट है, तो कट कैसे बनाते हैं वो बता रहा मैं आपको। तो मैं यहाँ से जो है नीचे की तरह से मिल गया, यहाँ पे भी आपका 1 आ रहा है, तो हम इसको 0.55 के अप्रोक्स ले गया मैंने इसको, और इसका जो है 5 mm के आएंगे, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपकी थोड़ा गैप है, ठीक है, वो गैप को आपको कंसीडर करके चलना है। अब गैप हम कैसे कंसीडर करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे काट लिया, यहाँ तो मेरा ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे आपकी वो जब जैसे आप इसको बेंडिंग करोगे, वो ऑटोमेटिकली इसको ग्राइंडिंग वगैरह करके ठीक कर देंगे। उसके बाद आपको जैसे यहाँ पे साइड में मेरा कुछ मेरे पास शीट है, साइड में काट है, कितना मेरे को काट आउट है, इसको अब मैं मेजर कर लेता हूँ। ये आपकी आ रहा है 15 mm का अप्रोक्स, तो आपको साइड नीचे से 15 mm छोड़ना पड़ेगा। तो कैसे छोड़ोगे, अब जाना यहाँ पे, ठीक है, फिर आप जाओगे एडिट फीचर्स में जाओगे, ठीक है। तो उसके बाद जाना है यहाँ पे एडिट फ्लैंज प्रोफाइल में, ठीक है। तो जो फ्लैंज प्रोफाइल है, अब कौन सी सिलेक्ट की हो, आपको सिलेक्ट करना है ऐसे इंडिविजुअली। तो अभी जो है ये वाला सिलेक्ट हो रखा है ना। तो यहाँ पे जो आप ये सिलेक्ट किए हो ना, इसको आपको ड्रैग करना होगा लाइक इस तरीके से, फिर आप यहाँ पे डायमेंशनिंग कर दोगे साइड से, जो है यहाँ से जो है 15 mm डिस्टेंस पे रहेगा आपका, डन फिनिश कर दो। तो जैसे फिनिश करोगे, यहाँ देखो आप 15 mm डिस्टेंस में वो चीजें आ जाएंगे।
अब उसके बाद दूसरी वाली का काम करते हम, तो उस साइड में भी करना है आपको। एक साइड मैंने कर लिया था, अब दूसरा साइड में आप कैसे करोगे? सिमिलरली अब इसमें जाओगे, अब आपको सिलेक्ट करना होगा, आपको ऐसे मैन्युअली सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट करके एडिट प्लान्स कर दो, तब ये वाला एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे लाइक इस तरीके से इसको आप आगे भी से करोगे। ठीक है, उसके बाद जो है दोनों का डायमेंशन दे दो, पॉइंट टू पॉइंट डन। तो आपकी लाइक इस तरीके से आपकी वो बन जाएगी। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें आपकी, जो अब अगर हम उसको घुमा के देखें, नीचे में नीचे नीचे का भी है ऑलमोस्ट, ये नीचे का आई थिंक कम आएंगे इसमें, 3 mm के प्रोसेस आ जाएंगे ये, क्योंकि नीचे जो है किसी जगह में जाके फिटिंग होने वाला है, तो आपको देखना है कितने mm का आ रहा है। तो मैं यहाँ पे मेजरमेंट करके देख रहा हूँ, ये अप्रस आ रहा है 3 mm, 3 पॉइंट। इसमें मेरा जो मेरा कॉम्पोनेंट है उसमें कोटिंग भी होगा, तो मैं इसको 3 mm ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से नीचे की तरफ ले आना इसको, और इसको जो आप रेडियस है 0.55 के, ठीक है, और यहाँ जो मेरा आ रहा है 3 mm का आएंगे। ठीक है, तो मैं एंडिंग से कर रहा हूँ। तो मेरा जो शीट है इसकी जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर आ गया है यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरी चीज, अभी इसमें जो आपने बनाया है उसके नीचे से भी आपको अलग से स्ट्रक्चर आएंगे। ठीक है, अब मैं इसको देख रहा हूँ कितने mm का आएंगे, ये ऑलमोस्ट आपके आएंगे वही 3 mm के स्ट्रक्चर आएंगे वो। ठीक है, तो हम जो है इसको थोड़ा घुमा लेंगे। ठीक है, जैसे दोस्त अगर ऐसे आपको घूम जाता है, आपको पता नहीं चला कौन सा मेरा टॉप था, तो आपको क्या करना है, स्पेस दबाना है। ठीक है, स्पेस दबाने में आपको पता लग जाएगा आपका हाउस कौन सी है, ये वाला फ्रंट व्यू आपकी। ठीक है ना, तो नहीं तो आपको यहाँ पे जाके इसकी टॉप व्यू, जैसे आपने टॉप व्यू में स्केच बनाया था, तो आप ऐसे टॉप व्यू भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो आपको व्यू पता लग जाएगा आप कौन से व्यू में हो। ठीक है, तो मेरा पता लग गया, मेरा इसमें काम करना है मुझे, क्योंकि मेरा टॉप पर्सन था ये वाला। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे काम करना है। देखो दोस्तों, यहाँ से भी आपकी कुछ mm डिस्टेंस में है ना, तो अप्रोक्स कितना mm डिस्टेंस आपको निकालना है, अप्रोक्स 5 mm के डिस्टेंस में ही है, तो हम इसको भी 5 mm अप्रोक्स डिस्टेंस में ले जाएंगे, एडिट फीचर्स में ले जाना है। ठीक है, मैं थोड़ा आपको समझा के बना रहा हूँ, थोड़ा वीडियो में टाइम लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक तो इसको डिलीट कर दो आप डायमेंशन को, यहाँ से इसकी और इसकी भी इसकी डायमेंशन 5 mm कर दो। सिमिलरली इस साइड का भी करना है आपको, इसको भी आप हटा दो, अब यहाँ से यहाँ तक अब डायमेंशन 5 mm कर दो। ठीक है, तो 5 mm का हमने इसको काट दिया है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे जो कॉर्नर वो बन रहा है, इसको आप कैसे हटा सकते हो, इसको हटाने का तरीका होता है, जैसे यहाँ पे तो जैसे कब से इसको बैंड करोगे तो वहां पे आपको रेडियस आएंगे, तो यहाँ पे आते कस्टम रिलीफ का ऑप्शन आता है आपकी। ठीक है, तो कौन सी रिलीफ डालना चाहते हो, रेक्टेंगुलर ऑफ राउंड, देखो ऑफ राउंड में कैसे बनती है, राउंड ऑब्जेक्ट से बन जाती है, रेक्टेंगुलर में देखो ये राउंड बन के बन जाती है ऑफ राउंड में। ठीक है, उसके बाद आता है आपकी टीयर। ठीक है, टीयर में भी आपको जैसा है वैसे ही बन जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कॉर्नर वो करना चाहते हो, ये कॉर्नर तक कनेक्ट कर देते हैं और ये वहीं पे खत्म हो जाती है, जो आपको चाहिए वहां पे आप डाल सकते हो, ये आपकी डायरेक्ट फ्लैट हो जाएंगे, वहां से बैंड हो जाएंगे, तो आपको जैसा परफॉर्मेंस चाहिए आप ऐसे सिलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कितना सिक्वेंस वगैरह है, तो मैं सिंपली यहाँ सिलेक्ट करके इसको मैं रेक्टेंगुलर डाल देता हूँ। ठीक है, तो ऑलरेडी सबके मैं रेक्टेंगुलर रखा हूँ। तो लास्ट जो चीज है यहाँ पे 3 mm का, फिर से आपको बनाना है। इसको आप 0.5 ले देता हूँ, यहाँ पे 3 mm का कितना लेंथ है, 3 mm ही है, तो इसको मैं फिलहाल के लिए ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पे अभी के लिए, क्योंकि जब भी ड्राइंग बनाऊँ कुछ कुछ सेकंड में आपको सेव करना ही होता है। तो अभी जो मेरा ये कंपोनेंट चल रहा है ये सीपीयू का है, तो सीपीयू में सेव कर लेता हूँ।
और जो मेरा ये कवर है, जो मेरा ये कवर है सीपीयू की, ये है मेरा साइड कवर, साइड कवर वन या टू, वन कर देता मैं, या लेफ्ट राइट लिख देना आप, या लेफ्ट राइट, तो ठीक है। तो मेरा ये कंपोनेंट जो है यहाँ सेफ हो गई। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखना है साइड में आपकी है कि नहीं। जी हाँ, मेरे साइड में भी है ना। तो मैंने यहाँ पे जो मैंने 5 mm बनाया था, और एक साइड में कितना बनाना था, एक साइड में 5 बनेगा और एक साइड में आपकी कम बनेंगे, ठीक है। इससे इस साइड मैंने 5 बनाया था। देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने 5 mm बनाया था, बट यहाँ पे आपकी 5 नहीं बनेंगे, ठीक है। तो दोनों को आपको अलग अलग करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, एक को हटा दूंगा यहाँ से, क्योंकि 5 आपको नहीं करना था। तो कैसे हटाओगे, सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के आप सिलेक्ट कर दो, ये हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके आगे थी, अब इसको भी आपको 3 mm का करना है। और यहाँ पे 3 mm। अब देखना ये है लेफ्ट साइड में 3 था कि राइट साइड में 3 था, ठीक है। तो मेरा जो राइट साइड है वो 3 mm का, तो ये मेरा राइट साइड ही है। तो इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर सारा गड़बड़ी हो जाएगी। तो मेरा ये सही है, ठीक है। 3 mm का है, 0.55 का है, ठीक है। उसके बाद जो है मुझे साइड से 15 mm का गैप छोड़ना है, ठीक है। तो हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पे एक ही प्रोफाइल है तो आप डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके 15 इधर साइड से, फिर आपकी 15 उस साइड से, डायमेंशन को हटा दो अभी के लिए, ठीक है। तो इसको मैं फिनिश कर दे रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। ये आपकी शीट का वो बन गया है। अब इसमें थोड़ी सी जो है, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन ये है, यहाँ से आपकी दोनों तरफ से स्ट्रेट आएंगे 3-3 mm का अप्रॉक्स। तो यहाँ पे भी 3-3 mm करूंगा, फिर इसमें स्टाम्पिंग करना पड़ेगा मुझे। स्टाम्पिंग कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ से मैंने फिर ये पकड़ा, इस साइड डाल दिया इसको, सिमिलरली इधर भी आपने, मैंने हमेशा अगर आपको अंदर करना है तो आप बाहर सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 0.55 का डाल दिया, और यहाँ पे मैंने 3 mm का डाल दिया, दोनों से 3 mm है, ठीक है, ठीक है। ये 3 mm का बन गया है। अब दूसरी चीज लास्ट में क्या आ रहा है, मेरा लास्ट में आ रहा है जो मेरा लेफ्ट साइड है, जो मेरा राइट साइड है, वहां से अलग से एक फ्लैंज निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी मैं 2 mm करूंगा, ऑलमोस्ट 2 mm का आ रहा है ये, ठीक है। तो मेरा लेफ्ट राइट साइड कौन सी हो जाएगी, ये मेरा राइट साइड हो जाएगी। तो मुझे इस साइड में बनाना है, ठीक है। तो ये किस डायरेक्शन में आएंगे, नीचे की डायरेक्शन में आएंगे। तो नीचे के डायरेक्शन के लिए हम ये वाला फ्लैंज सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन उल्टा आएंगे तो आपको इस डायरेक्शन में ले आना है, जैसे जूम करना है थोड़ा, कितने mm आएंगे, 2 mm के अप्रोक्स आएंगे ये। जैसे जब देख पा रहे हो मेरा अभी इसके काम हो गया है ना। जब भी शीट मेटल में काम करो, जैसे आपकी पूरे काम हो जाता है, तो इसको आप एक बार अनबेंड करके देख लिया करो। अनबेंड कैसे करोगे, फ्लैटन करके एक बार देख लो फ्लैटन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि जो आपकी लेजर में फाइल काटेंगी वो आपकी फ्लैटन में काटेंगे। तो आपकी अगर फ्लैटन नहीं हो पाती है तो आपकी जो इसकी ड्राफ्टिंग फाइल नहीं बना पाओगे, लेजर में काट नहीं कर पाओगे। तो देखना यह है ये आपकी फ्लैटन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर बिना फ्लैटन किए आप इसकी नेस्टिंग फाइल नहीं बना पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैं अनफ्लैटन कर देता हूँ अभी के लिए। अब दोस्तों इसमें काम क्या करना है, मुझे इसकी डाई बनवानी है, जो उसके ऊपर मेरा स्टाम्पिंग होगा ना, स्टाम्प टूल बनाना है। मैं अभी आपको मैं स्टाम्प टूल बनाना बताता हूँ। तो स्टाम्प टूल कैसे बनाते हैं, अभी इसको मैं अभी यहाँ तक सेव कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो अभी जो है हमने स्टाम्प टूल बनाना था, तो मैंने स्टाम्प टूल जो यहाँ बना चुका हूँ, ठीक है। तो स्टाम्प टूल जब आप फॉर्म टूल बनाओगे, इसको मैं एक तरीका बता देता हूँ क्या करना है यहाँ पे, इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, वो दिखा दे रहा हूँ। जैसे इसको तो बनाना बना ही लोगे, कैसे बनाना है, ठीक है। सिंपल मैंने बॉस वगैरह यूज करके बना 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 लिया हो,
उसके बाद आपको स्टेम टूल में जाना है। स्टेम टूल में देखो स्टॉपिंग फेस कौन सी है, स्टॉपिंग फेस मतलब ये वाला फेस मुझे टच करना है तभी मेरा ये शेप जो है शीट में आएंगे, ठीक है। तो मेरे पास जैसा मेजरमेंट था मैंने उसके हिसाब से बना लिया, मैं फिर जो लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ इस हिसाब से मैंने इसको दिखाया नहीं आपको, तो स्टॉपिंग फेस मेरा ये हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली मेरा ये वाला फेस की शेप आ जाएंगे। फेस टू रिमूव तभी सिलेक्ट करना है जहां इसको कट करना होता है, तो इसमें मेरा कट नहीं होगा, बस यहाँ मेरा थोड़ा पांच होंगे, यहाँ पे थोड़ी पांच आएंगे तो डाई की शेप में आएंगे, तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना है, आपको ओके करना है, तो आपकी ऑटोमेटिक शेप आना है। फिर आपको इसको शेप करना है, सेव एज, यहाँ पे जब आप सेव करोगे तो यहाँ पे फॉर्म टूल में सेव करना है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी सेव कर लिया हूँ, तो मैं दूसरी ड्रॉइंग पे जा रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, अब मैं दोस्तों इसको क्या करना है, जैसे मेरे यहाँ पे लाइब्रेरी है नहीं, ठीक है, मैंने डाला नहीं था, अब मैं लाइब्रेरी डालूंगा लंबा हो जाएंगे, मैं आपको दूसरी तरीका दिखाता हूँ कैसे बिना लाइब्रेरी का इंपोर्ट करते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे वो कर दिया, अब स्टैम्प टूल में गया, फिर इसको मैं यहाँ पे स्टैम्प टूल को ड्रैग कर दिया, ठीक है। तो मैं इसको दो बार क्लिक कर बड़ा कर दिया। अब दोस्तों देखना ये है कि आपका जो कंपोनेंट है, फिर आपको पोजिशनिंग में जाना है, फिर आपको डायमेंशनिंग करना है, पॉइंट टू पॉइंट डायमेंशनिंग करो आप, इसको मैं जीरो कर दिया, सिमिलरली यहाँ पे भी, ठीक है। तो उसके बाद जो है दोनों को हम जीरो कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम इसको रोटेट करना है, तो रोटेट करने के लिए क्या करेंगे, इसको मैंने ओके कर दिया, फिर टाइप में जाओ, इसको आप फ्लिप करने के लिए इसको आप 180 डिग्री फ्लिप कर दो, तो लाइक इस तरीके। मैंने ऑलरेडी पहले इसको डायमेंशनिंग करके रखा था, जो लाइन लिया था कितने एमएम नीचे है मैंने मेजरमेंट करके रखा था, तो मैं इसको ओके, देखो जैसे मैंने इसमें ओके करूंगा तो मेरा ये फॉर्म टूल का शेप जो है बन गया है। अब दोस्तों इसमें मैंने रेडियस नहीं लिया था, तो आप पूछोगे इसमें थोड़ा रेडियस होना चाहिए, जैसे आप बांसिंग करते हो ना तो ऑटोमेटिक इसमें रेडियस थोड़ा बन के आती है, तो मैंने इसको इसलिए रेडियस नहीं डाला। अगर आपको डालना होगा तो आप डाल भी सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो लाइक इस तरीके से मेरा आप इसकी शेप दे सकते हो, लाइक यहाँ पे देख पाओगे, इसको मैं हाइड कर दे रहा हूँ, तो इस तरीके से आप इस शेप दे सकते हो, और ठीक है। तो ये था मेरा पहला कंपोनेंट, तो मैंने इसको रिबिल टेंट सेव कर दिया मैंने इसको। तो इस तरीके से आप स्टाम्प टूल वगैरह लगा सकते हो शीट मेटल पे, ठीक है। अब इसमें अब बस इसमें दो होल रह गई है, अब होल कर देते हैं हम, जो होल्ड है टॉप साइड से है, तो इसमें सेंटर पे है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आप एक्सट्रूड कार्ट भी यूज कर सकते हो, तो सिंपल बेसिक एक्सट्रूड कार्ट यूज करो। जब भी आप शीट मेटल का यूज करो तो ये फालतू का ये जब यहाँ पे जाकर कमांड यूज मत करना सरफेस वर्वेस की, तो आपकी ये जो अनबेंड करते हो ना वो कमांड नहीं हो पाएंगे। तो सिमिलरली तो मैंने यहाँ किसके सेंटर निकाल लिया, पहले यहाँ पे सेंटर आ गई, तो मेरा जो 5 mm की होल है ये, और सेंटर से मेरा डिस्टेंस है 45 mm डिस्टेंस में है, तो मैंने जो है यहाँ पे 45 mm की मुझे 45 mm डिस्टेंस पे मैंने होल को ले लिया। सिमिलरली इसको मैं अभी मिरर कर दूंगा, ध्यान रखना जब भी करोगे तो ये लाइन स्ट्रेट आए, अदरवाइज आपकी जो है ये गड़बड़ी हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके मैंने मिरर कर दिया, अब उसके बाद मैं इसको काट कर दूंगा, लाइक कुछ इस तरीके से ये आपकी कट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपकी पहली साइड कंपोनेंट, ठीक है, जो इसमें लगेंगे। अब बाकी का मैं अभी बाकी का पार्ट अभी स्टार्ट करूंगा, ये वाला आपकी कौन फिनिश हो गए पहले वाला कंपोनेंट, तो इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो फास्ट जो मेरा पार्ट है खत्म हो गया, ठीक है। तो पहला पार्ट बन गया है, मुझे अभी जो मेरा मेरा जो लेफ्ट साइड है वो बन चुका है। अब राइट साइड में क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, इसमें कुछ जैसे एयर वेंटिलेशन के लिए कुछ कुछ होल्स है, कुछ अलग सी डाइज है, और एक एक पार्ट में थोड़ी सी चेंजेस है। तो मैं इस केस में क्या करूंगा, जो मेरा पहला केस है, जैसे मेरा ये सीपीयू का पहला केस है, तो इसको ही मैं कॉपी कर लूंगा, जो मेरा लेफ्ट साइड है इसको मैं कॉपी कर दिया। अब जो मेरा कॉपी है इसको मैं राइट साइड लिख दूंगा पहले, तो फिर उसके बाद मैं माइनस का चेंजेस करूंगा, ठीक है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब जो मेरा पहला का दोनों है उसको मैं अभी कट दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अपडेट होने की चांस रहता है, तो कट तो शेपल कर दो इसको, ठीक है। तो ये जो सॉलिड वर्क्स में स्टैम्प टूल बना इसका जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे स्टैम्प टूल ओनली स्टैम्प टूल फाइल में चाहिए, जो आपकी टीपी फाइल में आती है लास्ट में। तो मेरा अभी राइट में काम करना है, लेफ्ट हो गई, मेरा राइट को मैंने ओपन कर लिया, ठीक है।
अब इसमें दोस्तों एक सेंस क्या करना है, सेंस ये करना है जो मेरा इस लेफ्ट साइड में था तो मेरा इस साइड में है, सॉरी इस साइड में जो है यहाँ पे अलग सा फ्लैंज बन के आ रहा है, जो फ्लैंज जो इसमें नहीं चाहिए, तो इस फ्लैंज को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे पहली तो इसको पहले रिमूव कर देना आपको, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है ऑलमोस्ट कितने लेंथ का आ रहा था, यहाँ पे देख पाओगे 3 mm का है, तो इसको थोड़ा लेंथ कम था इसकी, तो इसको हम 2 mm कर देते हैं, ठीक है। फिर इसको आप अपडेट कर दो यहाँ से, तो इसको मैंने अपडेट कर दिया, जो भी आप चेंजेस करोगे वो अपडेट हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरी चीज, इसमें कुछ कुछ होल्स है जो हमको होल्स करना है, ठीक है। तो अभी हम होल बनाएंगे, तो सबसे पहले जो है आपको एक स्केच बनाना पड़ेगा पेंसिलेशन के लिए, तो हम मैं यहाँ पे स्केच ले लिया हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल कर दिया, तो यहाँ पे मुझे होल बनवानी है, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे एक छोटी सी सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। सर्कल का मुझे था 4 का ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हम इसकी सेंटर लगा लेंगे यहाँ से, जो यहाँ से था मेरा 45 mm की थे ऑलमोस्ट, और जो साइड से है, साइड से आपकी 35 में है। अब जो अभी मुझे एरे लगाना है यहाँ पे, ठीक है, एरे लगाना है दोनों की आपस में जो 20 में डिस्टेंस है, मैं एक बार मेजरमेंट कर लेता हूँ। अभी आपस में आ रहे 7 mm पे अप्रोक्स, तो इसके 10 mm की जगह आपको 7 mm लाना है, ठीक है। और इसमें टोटल जो होल है 8 होल है, ठीक है। तो 8 के लिए हम 8 कर देते हैं, और जो डायरेक्शन 2 है इसमें भी आपकी डायरेक्शन 2 ऑन करना पड़ेगा आपको, इसमें 1 के जगह इसमें भी कितना हो जाएगी, 18 हो जाएगा, और इसके जो स्पेस है 10 mm की जगह 7 mm आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम ओके कर देते हैं, सॉरी मैंने सिलेक्ट किया ही नहीं था, सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, एंटिटी सिलेक्ट नहीं हुआ था, तो यहाँ सिलेक्ट कर दो 7 mm की, और इसमें आ जाएंगे आपका 8 का, और नीचे आ जाएंगे आपकी 18 का, ठीक है। अब इसको रिवर्स डायरेक्शन कर दो आप, इसमें लेंथ हो जाएगी 7 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं ओके कर दिया गया, अब यहाँ पे इसको सिंपली एक्सट्रूड काट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो अभी जैसे आप एक्सट्रूड काट करते हो, जैसे यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी आते हैं ऑप्शन एक्सट्रूड करवा दी, तो स्केच एक स्केच को सिलेक्ट कर लो, फिर जितना एमएम है आप उसके हिसाब से आप इसको एक्सट्रूड काट कर दो, तो लाइक इस तरीके से आपकी शीट की जो है बन गया, इसको हम सेव कर लेते हैं। अब इस जो कंपोनेंट है इसमें थोड़ी सी चेंजेज है, तो इसके मैं आपको स्टैम्प टूल बनाना बताता हूँ, इसमें एक साथ कटिंग करेंगे, जैसे कट वाले ऑब्जेक्ट में आप क्या करोगे वो भी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो इसके लिए हम नया स्टैम्प टूल लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम स्केच लेंगे एक, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ लिया, ड्रॉइंग बनाते हैं इसका हम, एक पहले इसकी साइज का एक बनाते हैं, अब इसका पहले साइज देख लेते हैं, साइज कितने का। अभी सबसे पहले मैं एक ब्लॉक बना रहा हूँ, इस ब्लॉक में इसको मैं कर दे रहा हूँ 120 का, ठीक है, जो एज ए स्टॉपिंग फेस काम करेंगे इसमें, 120 का मैंने एक ब्लॉक बना दिया जो मेरा स्टॉपिंग फेस काम करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको पहले एक्सट्रूड कर दे रहा हूँ, ठीक है, मेरा ये स्टॉपिंग फेस वाला बन गया है। अब उसके बाद जो आपकी फेस है इसमें आप स्केच ले लो, ठीक है, इसको कंट्रोल एड कर दो आप। उसके बाद जो आपकी सेंटर से जो है 85 का एक रेक्टेंगल है, जो मैं इसको सेंटर रेक्टेंगल बना दूंगा, ठीक है, 85 टैब दबा के 85 पे डाल सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद जो ये रेक्टेंगल है तो इसको मैं एज ए सेंटर लाइन काउंट करूंगा, ठीक है, इसको मैं 85 कर देता हूँ, तो एज ए सेंटर लाइन काउंट करूंगा तो मुझे ऐसे बाउंड्री काम करेंगे ये, ठीक है। ठीक है, एज ए बाउंड्री मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे। अब दूसरी चीज है ये बनेगा कैसे ना, तो यहाँ पे मुझे होल बनवानी है, और 7 mm की होल जो होली है, अब कितना होल है हमें देखते हैं पहले। तो यहाँ पे जो है मैं एक होल बना दे रहा हूँ, ये आपकी 4 mm की है डायमीटर में, और ये अप्रोक्स आपका एरे लगा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। इसमें जो है 7 mm के आएंगे,
ठीक है, टोटल जो है आपकी, ठीक है, इतना साइज का आ रहा है, टोटल 13 आ रहा है। और उसके बाद भी जो डायरेक्शन 2 है इसमें भी आपको 13 आएंगे और इसको रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 13 ज़्यादा आ रहा है, आपको कम करना पड़ेगा, 13 ही आएंगे, बस इसमें डायमेंशन चेंज करना पड़ेगा आपको, 7 mm का कर लो और 13 का कर दो आप, ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद आपकी एक काम बढ़ जाती है, यहाँ पे जो ये जो होल है कितने एमएम का आप करना चाहते हो, और इसमें ऊपर एक डाई के शेप है, तो डाई के शेप के लिए हम इसके लेंथ मेजरमेंट कर लेते हैं। लेंथ जो रहेगा आपकी 1.5 mm का ऊपर है। अब इसको मैं सबसे पहले जो है अभी इसको एक्सट्रूड करना है, एक्सट्रूड करने से पहले हम इसमें एक काम करेंगे, ठीक है। तो काम ये रहेगा, ऊपर का दो दो होल को मैं यहाँ पे ट्रिम कर दूंगा पहले तो, ठीक है। तो पहले जो है इसको मुझे ट्रिम करना है, ट्रिम करने के लिए मैं दोनों को ट्रिम कर दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे सर्कल बना लिया है सारे, क्योंकि मैं इसको अब एरे करना था इसलिए आपको दिखा नहीं रहा था, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे मैं एक सर्कल बना रहा हूँ यहाँ पे सेंटर पे, ठीक है। तो इसके रेडियस जो है 13 का है, डायमीटर जो है 13 का है, ठीक है। और इसको जो है डायमेंशनिंग कर दूंगा मैं साइड से, ठीक है। डायमेंशनिंग जो है आपको करना है यहाँ से, डायमेंशनिंग जो है इसको मैं 5 की जगह इसको 3 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से भी इसको मैं 3 कर दिया हूँ, फिर यहाँ से भी आपको थोड़ा सा ये जैसे एरे लगाते हैं बहुत सारे, थोड़ा सा आपकी स्लो हो जाती है सिस्टम, तो मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। तो स्केच मेरा बन गया है, तो इसको मैं यहाँ से एग्जिट कर रहा हूँ। इस केस में हम इसको एक्सट्रूड करेंगे, ठीक है। तो मैं एक्सट्रूड करूंगा, अब यहाँ पे आप पार्टिकुलर को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, ओनली सेट सिलेक्ट कर दो, ठीक है। अब कितने एमएम का करना है आपको, यहाँ पे मैं आपको 2 mm का करना है, 2 है ही, 1.5 का है, 1.5 mm का करना है। और यहाँ पे आपको कॉन्ट्रोल सिलेक्ट करना पड़ेगा फिर, है ना, जैसे आप स्केच सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो फिर आपको कॉन्ट्रोल सिलेक्ट करना पड़ेगा। लाइक इस तरीके से मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट, जैसे यहाँ पे मेरा 3D बन गया है, तो मैंने डाब बाब लगा दिया, यहाँ पे हिस्ट्री देख पाओगे आप। अब इसकी जो है मुझे वो बनानी है, क्या बोलते हो इसकी, इसको मैं हाइड कर लेता हूँ। अब मुझे इसके फॉर्म टूल बनाना है। फॉर्म टूल बनाने में हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टॉपिंग फेस ये वाला होगा, इसमें रहेंगे, और जो फेस टू रिमूव कौन सी करना है वो आपको सिलेक्ट करना है मैनुअली एक एक करके, अगर दोनों एक साथ बनाना चाहते हो। अगर आप एक्सट्रूड काट कर दो उसके बाद इसको अलग से बनाओ तो आपको जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं इस केस में क्या कर रहा हूँ, एक साथ बना के आपको दिखा रहा हूँ, तो इसको अभी के लिए पॉज कर देता हूँ, जैसे हो जाएंगे आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है। ये स्टॉपिंग फेस बन गया है मेरा, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पे। तो आप जो है सेव एस करना है फॉर्म टूल में, तो यहाँ पे आप लिख दो इसकी स्टेम, यहाँ पे इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा नहीं तो ये चेंज हो जाएंगे, टूल टू, और ये जो है आपको इसको स्टेम टूल में फिर से कर दो, ठीक है, सेव कर दो यहाँ पे। वैसे मेरा सेव हो जाएंगे, फिर मैं इसके बाद ये वाली फाइल को ओपन कर दूंगा। अब यहाँ पे इसकी लोकेशन देखना है मुझे, किस लोकेशन में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको पहले ये ऑन टू डेट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है इसको मैं छोटा वाला कर देता हूँ, फिर उसके बाद जो स्टेम टूल टू है इसको आपको ले आना है इधर पे, तो क्लिक करके यहाँ आप ले आओ, कॉपी कर दो, ठीक है। उसके बाद इसको मैं डायमेंशनिंग करना है, डायमेंशनिंग करने के लिए आप पोजिशन पे जाओ, ठीक है। उसके बाद आपको डायमेंशन ऑन कर लो, फिर आप देखो कितने एमएम डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस जो था मेरा अप्रॉक्स 130 के अप्रॉक्स है, ये हम डाल लेते हैं इसमें, ठीक। और यहाँ से ऑलमोस्ट जो है साइड से, जो है साइड से आपकी 200 के अप्रॉक्स है, ठीक है। तब जैसे मेरा हो जाता है इसको आपको ओके कर देना है, ठीक है, आपको इसको डन कर दो यहाँ पे। उसके बाद आप देख पाओगे ये फॉर्मिंग टूल की आपकी शेप आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। आप दोनों तरीके से आप यूज बना सकते हो, मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया है, जैसे आपको ठीक लगे। अब यहाँ पे देखो आप
जो फॉर्मिंग टूल है यहाँ पे, जो आप स्टॉपिंग फेस सिलेक्ट किए थे, तो यहाँ पे ये वाले शेप भी बन के आएंगे, तो इसको आपको अलग से काटना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे बना सकते हो, वैसे भी बना सकते हो, आपकी दोनों मर्जी है। ठीक है, तो इसको हम अलग से इसको काट देंगे। तो मैंने इस वीडियो में दोनों तरीका आपको दिखा दिया हूँ। इसको फिलहाल के लिए मुझे स्केच लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे जो है रेक्टेंगल ले रहा हूँ, सेंटर रेक्टेंगल, कॉर्नर रेक्टेंगल लूंगा मैं। देखना यहाँ पे है आपकी प्लान कहाँ पे हो, ऑलरेडी मेरा प्लान गलत हो गई, तो यहाँ पे मैं स्केच लूंगा, इस फेस के ऊपर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्केच लेके मैं रेक्टेंगल लेना है, इसको पहले कंट्रोल कर दो, आप इसको जो है आप काट कर दो, एक्सट्रूड काट कर दो। ठीक, तो आप एक्सट्रूड काट जो है किस डायरेक्शन में है, देखो इस डायरेक्शन में काटना है आपको, 3 mm के एक्सट्रूड कट कर दिया मैंने। ठीक है, तो ऊपर का जो था आपके हट गई है, अब ये आपकी ये रहेगी, इसको भी हटाना है आपको। इसको हटाने के लिए हम अभी जो है स्केच लेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों मैंने आपको तरीका बता दिया, वो कैसे करना है आपको। यहाँ पे भी मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ फिलहाल के लिए, फिर इसको मैं ट्रिम कर दूंगा यहाँ पे कॉर्नर पे रेक्टेंगल बना के फिर। ठीक है, अब इसको रेक्टेंगल बनाने के लिए दोबारा एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ से। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप ड्रैग कर लो नीचे के डायरेक्शन में, कि इंटरसेक्ट ना हो, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इसको जो है हम ट्रिम कर देंगे ऐसे। ठीक है, सिमिलरली आपको इस तरफ भी बना दो, जो मैंने आपको तरीका बताया हूँ पहली वाले तरीका से आप बनाओगे ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पे भी अपने पैनल बना लो। तो इसको आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ ड्रैग कर दो। ठीक है, तो इसको आप ट्रिम कर दो। इसको आप अलग अलग करते तो बहुत टाइम लग जाता, तो मैंने इसको ऐसे ही कर दिया। तो यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल मैं ले लेता हूँ। ठीक है, अब जो है इसको स्केच से एग्जिट कर दिया मैंने, अब इसको एक्सट्रूड कट कर दूंगा यहाँ पे, है ना। तो इसको जो है हम एक्सट्रूड अभी कट कर देंगे। तो यहाँ जाओ आप 3 mm की जो प्रेस करके डायरेक्शन देख लो, उल्टा डायरेक्शन में है, इसको एक्सट्रूड कट कर दो। तो ये आपकी फ्लैट हो गई। ठीक है, तो आप देख पाओगे अब आपकी सब ठीक है, इसको आप सेव कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप सैंपल वगैरह लगा सकते हो। तो यहाँ पे मुझे बोल्टिंग वगैरह करना होता है, जो मेरा इसके अंदर रैम वगैरह रहती है, जो फैन पंखा रहती है, तो हम उसको बोल्टिंग करने के लिए, तो हम इसको ऐसे इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे मैंने इसको बताया एक एक करके, जैसे हम इस सारे को अलग अलग किया, आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे इसको आप रेक्टेंगल लगा के आपने एक्सट्रूड काट कर दिए, आप इसको अपने सारे बार का एक साथ बना सकते हो। ठीक है, फिर आपको इसमें दिक्कत क्या होता है, अगर आप सिंगल बनाओगे तो अब इसको आप पोजिशनिंग करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा पड़ेगा, तो मैंने इसको इस तरीके से बनाया। बाकी आपकी मर्जी है आपको कैसे बनाना है। ठीक है, तो मेरा दूसरा पार्ट भी हो गया, तो मैं इस पार्ट को सेव कर दे रहा हूँ, तो मेरा दोनों कंपोनेंट हो गए। ठीक है, सो नाउ यू आर गोइंग टू प्लास्टिक कवर, जो इसमें आगे का प्लास्टिक कवर लगता है हम वो बनाने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें मैं सबसे पहले स्केच ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं स्केच में जो मैं टॉप लाइन ले लिया, अभी मैंने कुछ कुछ डायमेंशन में मैन्युअली करूंगा यहाँ पे, तो उस केस में इसको मैं पॉज कर दूंगा। तो सबसे पहला जो है ये आपकी 34 पॉइंट ऑलमोस्ट आपकी 345 आ जाएंगे, और ये जो होंगे आपके, इसको मैं करूंगा अप्रोक्सीमेट 170 mm का है ये, तो हम इसको 170 mm का, सॉरी 170 mm, यार नमला ऑफ हो गया मेरा,
170 mm का मैंने ये बना लिया, ठीक है दोस्तों। अब इसको जो है 30 mm की एक्सट्रूड करना है, जो है मैंने एक्सट्रूड यहां से कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस है, आगे क्या वो चेंजेस रहेंगे वो भी हम करेंगे इस केस में, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक प्लान लूंगा, उस प्लान के हिसाब से मैं ये लूंगा, ठीक है। तो मैं डिस्टेंस मेजर कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक प्लान ले रहा हूँ, थोड़ा शेप में चेंजेस है तो मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है इसको, ठीक है। तो मैं इसका प्लान ले लिया, 140 mm नीचे फ्लिप कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको यहाँ पे स्केच ले लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे कंट्रोल ए कर देना चाहता हूँ, और ये जो स्केच है इसको मैंने कन्वर्ट में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने एक आर्क ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आर्क में रेडियस नहीं लूंगा, यहाँ पे मैं आर्क की जो सेंटर पॉइंट है उससे मैं इसकी डिस्टेंस लूंगा, ऑलमोस्ट ये मेरा 5 mm तक आगे रहेगा। अब जो है मैं इसको फिलहाल के लिए एक्सट्रूड कर दूंगा मैं, तो इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ नीचे के डायरेक्शन में, यहाँ मैं इसको थ्रू ऑल कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको थ्रू ऑल करके मैंने इसको यूनिट कर दिया, अब जो मेरा प्लान है इसको मैं हाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा यहाँ बन गया है। अब दोस्तों इसमें नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है, इसमें आपके ग्राफ चाहिए, जैसे जितना भी प्लास्टिक पार्ट बनाते हो इसमें आप हाफ से लेके 3 डिग्री तक ग्राफ होना चाहिए। तो मेरा स्टेशन प्लेट ये रहेगा और जो मेरा ग्राफ फेसेस रहेंगे दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द बेस एजेस। तो यार मैं यहाँ पे जो है 1 mm का ग्राफ लेने वाला हूँ, ठीक है। तो ग्राफ देखो बाहर की तरफ से लगे, तो मुझे रिवर्स ग्राफ करना है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे डायरेक्शन मैं अंदर की तरफ करूंगा, ठीक है। तो आप देखोगे ग्राफ हो गई सारा तरफ मुझे, ओके। तो अभी दोस्तों यहाँ पे हर जगह में मेरा फिलेट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एजेस में फिलेट लगाऊंगा, तो मैं यहाँ पे फिलेट लगा रहा हूँ, मैं एज फिलेट लगाऊंगा, हाँ मैं देखता हूँ 10 mm कितना कितने में कितना कैसे फिलेट कितना आ रहा है, ठीक है। कितने मेरे लिए ओके है, ठीक। तो दोस्तों इसमें अभी नेक्स्ट जो मेरा काम रह गया है, तो इसमें जो ब्रांडिंग होती है, ठीक है, जो अलग से निकल के आती है वो सब मैं बनाऊंगा इसमें, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे बनाते हैं, और पहले मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये मेरा बन गया है, तो मैं यहाँ पे जो है इसको सेल कर दूंगा मैं इस फेस से। थिकनेस मुझे 2 mm की थिकनेस है, ठीक है। तो मुझे 2 mm के थिकनेस के हिसाब से मैंने इसको सेल कर दिया है, ठीक है दोस्तों। अभी जो है इसमें मुझे चुचेज वगैरह के लिए लगाना है, रिब मुझे बॉस वगैरह बनाना है, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से रिब बॉस वगैरह बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं इसकी मेरा जो चुचेज के लिए जगह है मैं उसको बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं स्केच ले रहा हूँ सिंपली, तो मैंने यहाँ स्केच ले लिया, कंट्रोल कर दिया मैंने, ठीक है। तो मेरा जो स्विच का साइज है मैं स्केच बना लेता हूँ, ठीक है। मैं जब मेरा बन जाएगी मैं आपको डायमेंशनिंग वगैरह दिखा दूंगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अब स्केच देख सकते हो, जिसको बनाना है देख के बना रहा है, आप स्केच देख के बना सकते हो, सब कुछ पॉज कर लेना फिर वीडियो को बना सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ से एग्जिट कर दिया, अब इसको मैं सिंपली एक्सट्रूड कट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो मैं एक्सट्रूड कट कर दिया, यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा मेरा, ठीक है। तो मैंने इसको ठीक है, तो मैंने इसमें यहाँ पे एक्सट्रूड कट कर दिया। तो ये जो मेरा है जो मेरा पहला वाला है तो ये यूएसबी के लिए है, ठीक है। दूसरा वाला आपकी माइक्रोफोन के लिए है, माइक्रोफोन की आपका जगह हेडफोन के लिए वगैरह अलग से लगा, ये भी आपका यूएसबी आ जाएंगे। ये एलईडी इंडिकेटर है, ठीक है, दोनों एलईडी इंडिकेटर आएंगे, ये आपकी कंट्रोल स्विच होगी और ये आपकी मेन ऑन ऑफ स्विच होंगे, ये ठीक है। तो इसके ऊपर काम करना बाकी है थोड़ा, हम वो करेंगे। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट में यहाँ पे स्केच लूंगा, ठीक है, कंट्रोल ए कर दिया। तो मैंने पहले स्केच बना लेता हूँ आपको, फिर दिखाता हूँ मैं इसको आपको कैसे बनाता है ना। मैं स्केच सिलेक्ट करके कॉन्फ्रेंस कर लिया, 2 स्केच लेना है, मैंने पहले स्केच बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको एग्जिट करके आगे की तरफ एक्सट्रूड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया,
ऑलमोस्ट मैंने इसको एक्सक्लूड कर दूंगा 27 के आसपास, 20 भी नहीं करूंगा, 15 करूंगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा मुझे अलग से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरा स्विच आ जाएंगे कुछ, ठीक है। तो मैं फिर यहाँ भी इसके ऊपर जो है मैं स्केच ले रहा हूँ, फिर मैंने कंट्रोल ऐड कर दिया, तो यहाँ पे मुझे अलग से उसकी फिटिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। मैं एक चीज आपको बताने वाला हूँ जो हमेशा गलती होती है कभी कभी मामले में, जैसे मैं स्केच को मैंने यहाँ पे स्केच सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, अब मैं इसको एक्सट्रूड करने जाता हूँ तो यहाँ पे जीरो थिकनेस ज्योमेट्री शो करता है। तो इस केस में अगर आप मास डिटेल को ऑफ करोगे तो ये तो 5 mm की थिकनेस हो जाएगा आपका, बट ये एक्चुअली क्या एक यूनिट बॉडी काउंट नहीं होगा, ये अलग अलग बॉडी हो जाएगी, ये आपकी अलग बॉडी होगी, आपकी बाकी सब एक अलग बॉडी होगी, है ना। तो इस केस में आप क्या करोगे, इसको तो मुझे यूनिट करना है, तो इस केस लिए हम इसकी जो स्केच है थोड़ा आपको एडिट करना पड़ेगा। एक्चुअली होता क्या है, जो इसकी एज है, इसकी एज जो है जब दोनों एक साथ टेंजेंट रहते हो, जो टेंजेंट होता है तब ये प्रॉब्लम आता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस जो स्केच से मेरा स्केच की जो टेंजेंट है मैं उसको हटा दूंगा और यहाँ से मैं डायमेंशन करके इसको थोड़ा मैं ऊपर ले जाऊंगा, लाइक लेट्स से 0.9 का कर दिया मैंने, तो ये थोड़ा ऊपर चले जाएगा। तो इस केस में आप इसको एज ए यूनियन बॉडी काउंट कर पाओगे, जैसे लाइक मैं यहाँ पे अगर मास को भी ऑन कर दूंगा दोनों एक बॉडी काउंट हो जाएगी, अब देख पा रहा हूँ अभी यूनियन हो गई। तो ऐसे केस में आपको ऐसे डील करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा बन गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं ब्लेंड लगा दूंगा, ठीक है। तो मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, ऑलरेडी इसकी 3 पार्ट हो गई, 2 पार्ट बनाना बाकी है, ठीक है। तो इसलिए मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको पॉज करके दिखा रहा हूँ सब कुछ, ठीक है दोस्तों। तो मेरा यहाँ पे लग गया है, तो मैं यहाँ पे ड्राफ्ट लगाना भी मुझे बहुत जरूरी है, तो हर केस में मैं यहाँ पे भी थोड़ा ड्राफ्ट लगा दूंगा। मैं इस केस में यहाँ पे मैं 0.5 का मैं ड्राफ्ट लगा दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप हर चीज को आपको ड्राफ्ट लगा के बनाना है। तो ये है मेरा बन गया है चूज की जो मेरा पैनल है, तो यहाँ पे स्विच वगैरह मैं ऐड कर लूंगा, ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट चीज है मुझे ऊपर का जो मेरा सीधी रैम है, ठीक है, उसको बनाने के लिए मुझे स्लॉट काटना है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कितना मेरा डायमीटर में है, इसमें अलग से मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, सुनी रहिए। मैं यहाँ पे पहले स्केच ले लूंगा, कंट्रोल 8 कर देता हूँ, मैं पहले स्केच बना लेता हूँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे स्केच बना लिया है, अब मैं इसको एक्सट्रूड कट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्सट्रूड कट कर दिया है, ठीक है। तो ऊपर का मैंने एक सीधी रोम का होगा और ऊपर का जो एक आएगा मुझे अलग से एक ड्राइव के लिए आएंगे और यहाँ पे हम ब्रांडिंग की वो लगाएंगे। तो दोस्तों अभी मेन पार्ट बाकी है, अंदर रिप बिप का काम बाकी है, तो वो भी करेंगे हम। तो मैं सबसे पहले जो है इसकी जो इंटरनल जो रिप्स आती है इसको सपोर्ट के लिए हम एक वो लगाएंगे, वो बनाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए, तो मैं यहाँ पे पहले स्केच ले लेता हूँ, जिसको भी बनाना है वो वीडियो को पॉज कर ले, जहाँ डायमेंशन में हर जगह में शो किया हो वो शो करके अपने हिसाब से बना सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पॉज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्केच बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेल में जो मुझे इसकी जो ऊपर की तरह सपोर्ट ट्रिप बनानी है, तो यहाँ पे कट है, ठीक है। तो इस एरिया को हमें काट करना है, तो मैं यहाँ पे स्केच से एग्जिट करा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करा, यहाँ आया मैं, तो एक ऑप्शन होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रोल। तो सबसे पहले बाउंड्री लिया, फिर मैं इंटरनल पोर्शन को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो इसको मैं एक्सट्रूड कर दिया, तो अभी इसको मैं अब इसके लिए रख रहा हूँ, कुछ काम आएगा मेरा, मैं बताऊंगा मेरा क्या काम आने वाला है ये। तो इसीलिए मैं स्केच को अलग से बनाया, और इसकी जो हाइट है ये आपकी अप्रोक्सीमेट आ रहा है 5 mm के आसपास ही आएगी आपकी, तो मैं इसको 5 mm के अप्रोक्स ये मैंने इसको ले आया। तो ये जो है मेरा बाउंड्री के करीब बन गई, स्केच को मैं हाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो हिंज आएंगे तो वो इसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा ऐड होना है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो ये बन गया है, अभी इसमें थोड़ा इसको मुझे आर पार करना है, यहाँ पे 2 mm मुझे बनवाना है, ठीक है। तो मैं स्केच, तो मैंने इसको काट लिया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे मेरा ऑलरेडी यूनिट है ही, तो यहाँ पे मैं एक रिब लेके मुझे यहाँ पे सपोर्ट एज ए सपोर्ट काम करेंगे, ठीक है। तो रिब थोड़ी रिब नहीं बोलेंगे इसको हम, एक यंच लेके यहाँ पे मैं अलग से सपोर्ट करूंगा, जो असेंबली यूनिट में काम करेंगे लॉक हो जाएंगे, यहाँ पे एक अलग से प्लास्टिक आके इसमें लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीजें काम कर लेंगे, और जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे मेरा ये कट नहीं हुआ, शायद मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया, मैं आपको दिखा देता हूँ,
ठीक है। तो मेरा ये स्केच था, तो मैं यहाँ पे आप इसमें कंट्रोल भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर कुछ चीज रह जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्केच को ही एडिट कर लूंगा इस केस में। तो लाइक इस तरीके से मैंने सिलेक्ट करके वन बार एंट्री करके मैंने इसको काट कर दिया थे, ठीक है। तो आपको भी ऐसे करना पड़ेंगे बहुत साइड, आपको जैसे भी आपको लगे, जैसे इस साइड में मेरा रह गया था तो मैंने बहुत साइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको काट कर दिए थे, ठीक है। दोस्तों इसमें मेरा जो साइड में मेरा हिंज है जो यहाँ पे निकल के यहाँ पे रह जाएगी, बट ये तो रह जाएगी लेकिन मेरा प्लास्टिक तो बाहर निकल जाएगी। इसके लिए मुझे तो कुछ सपोर्ट यूनिट बनाना पड़ेगा। तो सपोर्ट यूनिट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है एक्स्ट्रा दो साइड में मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ कैसे बनाता हूँ, जरूरी रहिए। तो आपको कैसे बनाने में दिखा देता हूँ, देखिए इसको, ठीक है। तो ये मेरा बन गया है, यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने इसको नीचे से बनाया, क्योंकि मेरे नीचे से ही ये सपोर्ट लगेगा, आगे से तो मेरा वो लग जाएगी। तो मैं इसको एग्जिट करके इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं रिवर्स डायरेक्शन एक्सट्रूड कर देता हूँ, ये 5 mm बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो मैं इसको कर दे रहा हूँ 3 mm या 2 mm के, मैं इसको करके यूनिट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो लाइक इस तरीके से मेरा सपोर्ट बन जाएगी जिसमें मेरा प्लास्टिक आके यहाँ पे फंस जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको बनाना पड़ेगा सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो लाइक इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ इसमें मैं एक सर आपको प्लास्टिक भी जो मेरा कंपोनेंट है वो भी मैं आपको बना के दिखाऊं। तो मैं इसको अलग से पार्ट में बनाऊंगा, इसमें मैं यहाँ पे यूनिट नहीं करूंगा, ठीक है। बाद में अगर उस पार्ट को आप अलग से अडाप्टिंग के लिए निकाल सकते हो, वो भी निकाल सकते हो, वो भी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे आप कोई नया प्रोडक्ट डिजाइन करते हो, वो भी तरीका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करता हूँ मैं इसको, मैं अलग पार्ट ही रखूंगा इस बॉडी में, मैं यूनिट बॉडी नहीं करूंगा, अलग पार्ट काउंट करूंगा। बाद में इसको मैं ऐसे अदर बॉडी में मैं कन्वर्ट करूंगा, इसको बताऊंगा कैसे करते हैं वो चीजें, ठीक है। तो मैं स्केच ले लेता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको होने के बाद। तो आप देखिए इसको कैसे करना है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे एक एरिया ले लिया है, अब मैं इसको ऑफसेट करने वाला हूँ सारे को, ठीक है। तो मैं ऑफसेट जो है मैं 0.1 का अप्रोक्सीमेट रखूंगा, ठीक है। वो आपकी मर्जी, आपके हिसाब से आप ले सकते हो। तो मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया अब तो यहाँ तक। अब मैंने इसको मार्ज नहीं किया दोस्तों, ठीक है, ध्यान देखना। इसमें मैंने यहाँ पे मार्ज नहीं किया, मार्ज कर दूंगा तो एक बॉडी बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मार्ज नहीं किया। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गैप इसलिए रखा हूँ कि मेरा ये जो प्लास्टिक कंपोनेंट है यहाँ पे भी मेरा अलग से एक सपोर्टर आएगा, जिसके जिसमें जिसको टेपर में रखूंगा। तो थोड़ा सा ये गैप रखना जरूरी है, ठीक है। जब भी करना है आपको ध्यान रखना है चीजें, ठीक है। थोड़ा इतना भी ज्यादा गैप ना हो, थोड़ा आप कम कर सकते हो। बाद में यहाँ पे ग्राफ ज्यादा लगाऊंगा, मैं दिखाता हूँ कैसे करना है आपको। यहाँ पे मेरा अप्रोक्सीमेट 1 mm की गैप है, ठीक है। तो आप कम कर लेना इसको जैसे आप चाहो। तो मैं दिखाता हूँ इसको, मैं कम करके दिखाता हूँ थोड़ा। तो मैंने इसकी जो ऑफसेट है मैंने इसको कम कर दिया, ठीक है। ये 0.5 के अप्रोक्सीमेट है, तो यहाँ पे इतना सड़ जाएगा। और यहाँ पे जो है मैंने इसको बना दिया है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसके ऊपर काम करूंगा। अब इसको मुझे आगे तक ले जाना है और यहाँ पे मुझे एक दीप टाइप का वो चीज लगाना है। तो मैं दिखाता हूँ कैसे लगाता है। मैंने स्केच ले लिया, कंट्रोल एड कर दिया। अब मेरा जो मेन टारगेट बॉडी है ये वाला है। तो इसको अगर आप काम करना चाहते हो तो इसको आप अलग कलर में डाल के भी काम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं इसको आइडेंटिफाई कर देता हूँ। अगर ऐसे केस में काम करना है तो अलग अलग तरीका बताना जरूरी है दोस्त, ठीक है। तो इस बॉडी का मैं अलग कलर कर दूंगा। मैं जैसे मैं चाहता हूँ कि इस बॉडी में ही काम करूँ, तो मैं इसको अलग कलर कर दिया, ठीक है। अब आप कंफ्यूज नहीं होगा मुझे किस बॉडी में काम करना है, ठीक है। तो मैं स्केच ले लिया, कंट्रोल एड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा सेंटर है, लाइक ये मेरा सेंटर है, तो यहाँ से मैं सेंटर रेक्टेंगल लूंगा, मैं ये वाला लूंगा, ठीक है। नहीं तो मैं यहाँ से भी एक लाइक इस तरीके से ले सकता हूँ, सॉरी यहाँ पे भी मैं, ठीक है, जिसको मैं अपने हिसाब से एडिट कर लूंगा। अप्रोक्सीमेट मैं 8 mm का लूंगा, ठीक है, ओके है। और ये जो लेंथ रहेंगी आपकी कुछ, ठीक है, 1.5 mm की रहेंगे। सिमिलरली इसको मैं मिरर कर देता हूँ,
मैं दोस्तों स्केच आपको बाद में दिखाऊंगा, लंबा हो जाएगी वीडियो, ऑलरेडी लंबा हो रहा है, तो मैंने मिरर कर दिया, इसको मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। अब ये कितने एमएम का एक्सक्लूड है आपको पता होना चाहिए बस। तो ये जो मेरा एक्सक्लूड हो रहा है कुछ 5 mm की हो रही है, ठीक है। तो ये 5 mm के हिसाब से मैं 2 mm कम कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे कम नहीं कर रहा हूँ, 4 mm भी करूँगा फिर भी मेरा ठीक है। तो ठीक है, मैं 4 mm कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मैंने यूनिट कर दिया। अब दोस्तों मैं काम यहाँ पे मेरा ध्यान से देखना, मुझे यहाँ पे इसकी मुझे एनालाइज कर लेता हूँ, इवेलुएट में जाओ आप इसके मेजर कर लो। तो इस एज से इस एज का डिस्टेंस कितना है, 2 mm है, ठीक है। तो मैं ठीक है, मेरा याद रखना है आपको 2 mm है, और आपकी इज एज से इस एज से आपकी इज एज की डिस्टेंस जो है आपकी 2 mm है। तो 2 का मेरा एमएम का मेरा वो मिल गया है। अब मैं इसको हाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है, सॉरी मैं इसको जो है सेक्शन काट दूंगा। तो आप सेक्शन काट सकते हो अपने हिसाब से इसको, ठीक है। तो मैं इसको जो है इधर ले आता हूँ, अब जिसमें काम करना चाह रहे हो, ठीक है। यहाँ पहले आप 2x ले सकते हो, आपकी दोस्तों जैसे आपको सही लगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेक्शन ले लिया, तो इसको मैं अभी इसमें दोनों के बीच में 1x प्लेन ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं स्केच लेके दिखाता हूँ, इस प्लान में स्केच लेके मैं आपको काम करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने बहुत साइड जो है ऐसे स्केच बना लिया है, इसको मैं एग्जिट करके बहुत 4 mm की मैं बहुत डायरेक्शन 4 mm डायरेक्शन 2 4 mm, तो मैंने इसको ओके कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको यूनिट कर दूंगा, और इसको मुझे इसको जो मुझे काटना है तो मैं इसको काट के दिखाता हूँ आपको। अब आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे जो है मेरा ये बन गया है। तो ये जो यहाँ पे आके ये फंस के रह जाएगी, तो यहाँ पे थोड़ा ब्लेंड लगा सकते हो, थोड़ा फिलर आप यहाँ पे थोड़ा सा यूज कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज आपकी रहेगी यहाँ पे थोड़ा सा मुझे, ठीक है, मैं इसको 0.1 का ब्लेंड लगा लेता हूँ, ठीक है। तो लाइक इस तरीके से आप थोड़ा बहुत आप लगा सकते हो, 0.1 बहुत कम हो गई, 0.3 कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब इस तरीके से ब्लेंड लगा सकते हो स्केच में, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा ड्राफ्ट लगा लूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ड्राफ्ट भी लगाना जरूरी है दोस्त, ठीक है। तो स्केच में मैं ड्राफ्ट लगाऊंगा, एक्चुअली ये जो है इंटरनल वो है, थोड़ा आपको ड्राफ्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ड्राफ्ट लगाने के लिए मैं 0.5 का ड्राफ्ट लगा रहा हूँ, ये स्पेस दबा के देख सकते हो ड्राफ्ट हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। थोड़ा सा ड्राफ्ट आ गया, अच्छा ओके है, मुझे बहुत सही लगाना है। तो मैं फेस टू में ऐसे ही मेरा स्ट्रेट आ रहा है, तो मैं इसको भी बाहर की साइड लगा लूंगा, ठीक है। तो थोड़ा ड्राफ्ट लगाना जरूरी है, तो इसको मैं सेव कर दिया, तो इसको मैं सेव कर लिया। अब सिमिलरली मैं आपको ये वाले पार्ट बना के दिखाता हूँ, ठीक है, जो नीचे वाला है, मैं इसको भी आपको बना के दिखाता हूँ। तब तक जब हो जाए तब मैं दिखाऊंगा इसको, ठीक है। तो अब मैंने दिखा दिया किस तरीके से बनाना है, मैं इसको दिखाता हूँ, फिर इसके बाद मैं रिब भी बनाना सिखाता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये बन गया है ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे अलग अलग पार्ट में मैंने बनाया। तो सबसे पहले मैं इसको हाइड कर दे रहा हूँ, ये मेरा अलग पार्ट हो गई, ठीक है। ये मेरा सपोर्ट यूनिट है जो मैं अलग से भी बना सकता था, तो मैं यहाँ पे भी इसको भी बना लिया, ठीक है, और मैं इसको भी बना लिया, तो तीनों में यहाँ पे बना सकता हूँ, ठीक है। तो आपके हिसाब से आपको जैसे भी करना है, तो मैं इसको भी शो कर लेता हूँ, तो आप इस हिसाब से असेंबली बना सकते हो आपकी मर्जी, ठीक है। तो मेरा मेन काम जो था, मेरा अलग अलग जो यूनिट था वो मेरा बन गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट डिजाइन किया था, ये मेरे हाथ के सामने है, तो इसको मैं यहाँ पे असेंबली कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर जो रीब है, जहाँ पे आपके स्क्रू लगेंगे, जहाँ चीजें लगेंगे ना, तो वो आपको बनाना है, ठीक है, तो वो भी हम बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर ब्रेंडिंग ब्रेंडिंग करना है तो भी वो ब्रेंडिंग कर सकते हो, ये मेरा इंटेक्स का है, ठीक है, तो आप बना सकते हो आपके हिसाब से आपको सही लगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख लिया, अब मैं इसको थोड़ा टेक्स्ट जो इंटेक्स किया थोड़ा अलग डिजाइन पे है, मैं बस कैसे नेमिंग करते हैं मैं वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो मैंने ये बना लिया यहाँ पे, अब इसको जो है मैं यहाँ पे वेव कर दे रहा हूँ, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे एज इट इज करूंगा, सरफेस सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है, तो वैसे ही रहने दूंगा मैं। तो लाइक इस तरीके से है मेरा नेमिंग का, आप डाल सकते हो। फिर इसके अंदर आप कलर करना चाहते हो तो आप जाके कलर मॉड्यूल से आप कलर कर दो, जैसे भी आपको सही है। मैं फेस में करना चाह रहा हूँ इसकी, तो आप एक एक करके आप सारे के इनसाइड सिलेक्ट कर सकते हो जितना आपको सही है। तो मैं इसको जो है एज ए व्हाइट में रखना होगा, तो मैं आप इस तरीके से इसकी नेमिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो है एक कैपिटल में आती है, बाकी इसको स्मॉल में आते हैं, तो मैं ऐसे ही रख दिया मैंने अपने हिसाब से। मैं आपको बताना था कैसे डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो मैं इसके अंदर की रिब बनाता हूँ। तो पहले जो है मैं इसकी जो मेरा अंदर का जो मेरा रिब है, कहाँ का रिब है मैं देख लेता हूँ, उसके बाद मैं इसकी आपको डिजाइनिंग करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए, वो सबसे पहले मुझे स्केच लेना है, ठीक है। तो मेरा जो स्केच रहेगा कुछ पहले मैं यहाँ वाला का कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ का सरफेस अलग होगा, यहाँ का सरफेस अलग होगा, तो मैं पहले यहाँ वाला कर लूंगा, यहाँ स्केच ले लूंगा, आपको करके दिखाता हूँ। तब तक जब तक मैं 2D बना लूँ तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, ठीक है। जिसको स्केच बनाना है वो बना सकते हो, देख लेना डायमेंशन मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, ठीक है। तो मैं इसको स्केच से एग्जिट कर लिया हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लोर कर दिया। तो यहाँ पे सबको सिलेक्ट करने से अच्छा डायरेक्ट आप स्केच को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। और इसकी जो हाइट है, हम हाइट एक बार देख लेते कितना हाइट आपको लेना है, ठीक है। तो जो हाइट रहेगा मेरा अप्रोक्सीमेटली 20 के आसपास रहेगा ये, ठीक है। तो मैं इसको 20 कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं ये यहाँ पे मेरा जो ये बन गया। और दोस्तों इसमें थोड़ा सा ना जो इंटरनल पार्ट होती है, थोड़ा सा हम इसमें वो लगाएंगे, और इसके साथ आपको यूनिक कर दिया मैंने, देखो यहाँ पे मार्च बोटी ओनली इसके साथ करूंगा मैं, ठीक है। तो 1 mm का मैं यहाँ पे ड्राफ्ट दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे आपकी सारी कुछ जो वो होती है ना टेप वगैरह लगाना होता है, वो भी लगाऊंगा मैं, आप देखना कैसे कैसे लगाते हैं। तो पहले मैं सारे का काम खत्म कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ कैसे लगाना है वो भी आपको।
Thank you.
ठीक है। तो ये जो है आपकी हो गया है, यहाँ पे मैंने कर लिया हूं, ठीक है, आप देख पा रहे हो। तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गई थी, तो ये पूरा कवर हो गया है मेरा इसमें। तो इसकी मोल्डिंग वोल्डिंग भी मैं दिखा दूंगा जैसे ये खत्म हो जाएगी, पूरा यूनिट जो खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये रहा पूरा यूनिट, मैंने आपको दिखाया, हाइट करके भी दिखाया कैसे अलग अलग बनाते हैं, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। और इसको मुझे यूनिट करना पड़ेगा, ये यूनिट नहीं है, तो इसको जो है मैं यूनिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जाके आप लेके ये बॉडी आप सिलेक्ट करके सबको यूनिट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, बहुत तरीका होता है, टॉप डाउन असेंबली, बॉटम डाउन असेंबली करके भी कर सकते हो, ठीक है। पहले पहला सॉलिड बना बना के भी आप कर सकते हो, जैसे जीरो थिकनेस है तो इसको हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, इसको आगे तरफ एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे सर्विस मैटिंग टच नहीं हो पा रही है ना, तो कई सेक्शन टच हो रहा है कई नहीं हो रहा है, इस केस में होता है। इसको आपको क्या करोगे, इसको थोड़ा एक्सटेंड करोगे, फिर उसी हिसाब से करोगे, ठीक है। तो उसको मैं करके दिखाता हूँ आपको भी। तो यहाँ पे मैंने कॉम्बाइन कर दिया है, ठीक है, तो ये भी होगी, तो यूनिट करके, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। हाय गाइस, इन द लास्ट वीडियो यू हैव डिजाइन ए प्लास्टिक कवर। तो जो मेरा सीपीयू था इसके मैं प्लास्टिक कवर जो ऑलरेडी बना चुका हूँ लास्ट में वीडियो में, जो मेरा लास्ट वीडियो था तो मैंने सीपीयू का प्लास्टिक कवर बना चुके थे, हम ये वाला बना लिए थे, ठीक है। आज जो प्लेट है हम उसकी टॉप कवर बनाने वाला है, जो शीट मेटल पे आएंगे, ठीक है, तो इसको हम टॉप कवर बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यही टॉप लाइन ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा थिकनेस रहेंगे, तो मैं थिकनेस जो रहेगा इसका मेरा, तो मेरा थिकनेस था 0.5, लास्ट टाइम हमने वही यूज किए थे, ठीक है। तो मैं 0.5 का थिकनेस का ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे जो है इसकी जो है एक फ्लैंज निकालना है साइड में से, वो साइड जो है एक मेरा फ्लैंज निकलेंगे, और फेस जो रहेंगे 15x15 का रहेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एक्सप्लेन निकालूंगा नीचे की तरफ, ठीक है, तो इस साइड से नहीं होगा, बहुत साइड से है 15x15 का मुझे, बहुत साइड से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0.7 का बैंड रेडियस ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो है आपको 15mm लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 15mm के ले लिया हूं, ठीक है। तो मेरा साइड में ये बन गया है। अब यहाँ पे मुझे इनसाइड जाना है, जो यहाँ पे मेरा शीट रहेंगे इसके साथ मेरा जो मेरा हिंज रहेंगे, मतलब जहां पे जॉइंट मेरा बोल्ट रहेंगे, रिबिट लगेगा इसमें, तो मैं अंदर की तरफ जाना है मुझे, ठीक है। तो सिमिलरली मुझे इधर भी जाना पड़ेगा, जो आपकी अंदर की तरफ जाएंगे ये, इसको 0.7 का मैंने बैंड रेडियस ले लिया, और ये मेरा अंदर का जो डिस्टेंस होगा मेरा, तो मैं अंदर इसको 7mm की अंदर जाएगा ये, ठीक है। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। और जो मेरा नीचे यहाँ पे, यहाँ से फिर आपकी नीचे जाएंगे, जो आपकी सीट की जो कवर रहेंगे इसके साथ ये बोल्ट हो जाएगा, इसमें रिवेट लग जाएगी परमानेंट, जो खोल नहीं पाएंगे, इसको तोड़ना पड़ेगा खोलने के लिए। तो यहाँ पे भी मैं जो बैन रेडियस है 0.7 ले रहा हूँ, और जो मेरा ये है तो मैं इसको 10mm की अप्रोक्स में इसकी वो ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसकी 10mm की अप्रोक्स में मैंने इसका ले लिया, जो मेरा यहाँ पे बोल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब साइड में से मुझे इसकी साइड कवर बनानी है, ठीक है। साइड कवर में से यहाँ पे दो स्क्रू आ जाएंगे, दो स्क्रू आने के लिए हम जो है यहाँ से नीचे की तरफ ला रहा है, और इसको मैं वैन रेडियस 0.7 रख रहा हूँ, और इसकी जो लेंथ है ये भी आपकी 10mm की आ जाएंगी, जिसमें स्क्रू लग जाएगा आपका परमानेंट रिवेट वाला काम करेंगे जिसमें वो, ठीक है। तो लाइक इस तरीके से आपकी सीट लग जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों इसमें दो पंगा है, पंगा ये है जो मैं सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके मुझे यहाँ से थोड़ा सा गैप लेना है,
क्योंकि मुझे यहाँ पे एक जॉइंट है मेरा, इसको जॉइंट मारना है। यहाँ से मैं आप इसको थोड़ा डिस्टेंस दे देता हूँ 5 का, ठीक है। तो सिमिलरली ये आपकी बोथ साइड रहेगा, क्योंकि ये जो आगे वाला पोर्शन होगा ये मेरा प्लास्टिक कवर से और पीछे जो है शीट से मेरा मतलब ढक जाएंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा गैप रखना पड़ेगा, ठीक है। और दोनों के बीच में मैं 5 5 का गैप रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा 5 5 का गैप आ गया है। अब मुझे इधर भी रखना है, ठीक है। तो मुझे इस साइड का भी मैं एडिट करूंगा फ्लैंज को, ठीक है। अभी के लिए मैं कोई होल्ड नहीं कर रहा, मैं असेंबली में होल्ड करके मैं आपको दिखाऊंगा ये काम होगी। अब मैं इसकी सिलेक्ट करके आप इसमें एडिटिंग कर लो, ठीक है। क्योंकि अभी मैं कुछ डायमेंशन वगैरह इसमें जो होल्ड के लिए मैं स्लॉट रखना है, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो हम असेंबली करेंगे तो ऑन द स्पॉट हम वो चीजें भी देख लिया करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको 5 5 का साइड रख दे रहा हूँ। तो यहां से मेरा एज ले लिया मैंने यहाँ पे 5 5 का, ठीक है। तो इसको मैं फिनिश करके फिनिश कर दिया हूँ, ठीक है दोस्तों। अब इसको ढकने के लिए मैं अगर यहां से करता तो ये मेरा होता नहीं है, तो मैं इसको साइड से ही करूंगा लाइक इस तरीके से आपको। तो इसको भी आप 0.7 कर लो, ठीक है। तो मैं यहाँ से भी उस साइड से मुझे थोड़ा सा इसको निकालना है, ये भी आप निकल लो इस तरफ, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे आगे निकालना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 5 mm की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 5 5 mm की साइड से निकल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपकी कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी हो गया है। तो यहाँ पे मुझे 3 बोल्ट रहेंगे, 1 2 3, ठीक है, 3 बोल्ट रहेंगे। फिर इधर से भी मुझे 3 बोल्ट रहेंगे। तो बोल्ट जो जैसे मैं इसकी फ्रेम बनाऊंगा सीट की, तब मैं इसको बोल्टिंग वगैरह डाल लूंगा, ठीक है। अब इसको फ्लैटन करके देख लो किस तरीके से बनता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको साइड में अगर कॉर्नर रिलीफ वगैरह लगा रहा है, ठीक है, तो अगर आप लगाना है तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं शीट मेटल जाके, ठीक है, कॉर्नर ट्रिम करना है आपको जैसे भी करना है, तो आप जैसे चाहते हो सर्कुलर लगाना है, जिस जिस हिसाब से आप चाहते हो उस हिसाब से आप लगा सकते हो। डायमीटर में 1 का लगा दे रहा हूँ, तो मैं इसको इस तरीके से इसको कॉर्नर ट्रिम में कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं आप चाहते हो तो आप कॉर्नर ट्रिम वगैरह कर सकते हो, तो ज्यादा बेहतर रहेंगे, बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। तो इसको मैं अभी के लिए सेव कर लेता हूँ, आप डायमेंशन वगैरह नोट कर लेना जब भी आप देख देख के बनाना है आपको। तो इसका मैं जो है टॉप प्लेट सेव कर लिया मैंने इसको, ठीक है, शीट मेटल पे। तो इसमें मेरा कोई वो नहीं है, बस बोल्ट बोल्ट है क्या है, यहाँ पे आपकी 2 डेविट बोल्ट लग जाएंगी, 3 लग जाएगी, 1 2 3 यहाँ पे लग जाएंगे। तो आगे भी आपकी 2 लग जाएगी, ठीक है, इधर भी 2 लग जाएगी, उधर भी लग जाएगा 3 की। तो इस तरीके से हम बाद में उसको देखेंगे कितना कहाँ लगाना है, ठीक है। और इसी सब अंदर से लगेंगे, इसके आगे प्लास्टिक कवर रहेंगे, पीछे आपकी पेंटिंग वेंटिंग के लिए हम वो भी बनाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, इतना ही रखते हैं इस वीडियो को। लास्ट टाइम हमने टॉप कवर कवर किए थे, अब जो है हम इसकी बॉटम कवर कवर करेंगे, ठीक है। तो बॉटम कवर पूरा शीट मेटल से ही है, तो मैं स्केच ले लेता हूँ वीडियो, तो मैं यहाँ पे स्केच ले लेता हूँ। तो इसकी जो साइज है 16 सेंटीमीटर और 33.5 एंड 160 सेंटीमीटर का है। तो इसका थिकनेस जो है अप्रोक्सीमेटली 0.5 ही है, ठीक है। तो मैं इतना ही ले लूंगा। अब इसमें दोस्तों साइड जो साइड साइड वाला है वो आपकी सीधा ऊपर की तरफ आएंगे, ठीक है। तो दोनों जो है ऊपर की तरफ आएगा आपका, ठीक है। और जो बैंड रेडियस है मैं इसको 0.7 ही ले रहा हूँ, ठीक है। और जो इसकी लंबाई आएंगे तो वो आएंगे आप अप्रोक्सीमेटली आपकी 15 के आसपास आएंगे आपके। तो इसको हम 15 के अंदर रख देंगे, ठीक है। और जो मेरा साइड से मेरा जो ब्लेंड आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आएंगे आपकी, मैं बना के दिखाता हूँ। तो मैं
0.7 की, और ये आपके आ रहे 5 mm की, सॉरी 0.7 की जगह करना है और इसको आपको 5 करना है, ठीक है। तो इसको मैं ओके कर दिया। फिर आपको इधर mm इधर जाना है, तो ये कुछ इधर जा रहा है आपके, और ये भी इनसाइड डायरेक्शन आ रहा है। इसको 0.7 कर देता हूँ मैं, 0.7, और ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 3 mm की, अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। फिर जो है ये आपके ऊपर की तरफ गया है, क्योंकि इसमें जो है आपकी डेबिट लगने वाला है ऊपर साइड, तो ये परमानेंट जॉइनिंग के ऐसे काम कर लेंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो हाइट आ जाएंगी आपकी 10 mm की हाइट आ जाएंगे, जिसमें हम लोग नट वगैरह लगा देंगे। तो इस तरीके से आपकी ये डिजाइन रहेंगे, ठीक है। तो हम जो है इसके ऊपर ठीक है, इस हिसाब से आपकी नीचे से वो सपोर्ट रहेगी। फिर यहाँ पे फ्रेंड जाके कनेक्ट हो जाएगा आपको, मैं बताता हूँ कैसे ये करना है इसको। और इसके साथ मुझे थोड़ा सा जो डायमेंशन है इसको एडिट करना है। एडिट इन द सेंस क्या एडिट करोगे मैं आपको बताता हूँ। फीचर्स में जाके हम जो है आपको सिलेक्ट करके यहाँ से थोड़ा सा अंदर ले जाना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कट है। तो इसको मैं यहाँ से इसको आप 5-5 mm के डिस्टेंस पे रख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको भी 5 mm कर लेता हूँ, तो यहाँ पे भी मैं इसकी 5-5 mm की आपने कट लगाना है गुड साइड। तो मुझे इधर भी लगाना है, तो हम मैं यहाँ पे स्केच करके आपको जिस साइड आपको जो भी स्केच से आप सिलेक्ट करके देख सकते हो, फिर एडिट करके इसको, ठीक है। तो बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि एनएक्स में शीट मेटल में वीडियो बनाओ, तो मैं भी वो भी बना लूंगा, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। तो एक्सेल में होता क्या है, बनाने में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, टाइम का इशू होता है। तो जहाँ पे काम चलता रहता है यहाँ पे, तो थोड़ा मैं बिजी रहता था, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं इसको डायमेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं 5-5 की डायमेंशन कर दिया हूँ, क्लियर है। तो इस तरीके से ये कट रह जाएगी आप में इसमें, ठीक है। तो इसे कहा मुझे इसकी जो ऊपर है इसके नीचे जो मेरा बेस है उसको मुझे शेप देना है, तो इसके लिए मैं जो है नीचे वाले जो मेरा पोर्शन रहेंगे सपोर्ट के लिए, तो मैं वो बनाऊंगा अभी, देखिए। तो मैं इसकी सॉलिड बनाऊंगा, फिर इसकी कॉन्टूर बनाऊंगा, आप देखते रहना कैसे बनाता हूँ। इसको अभी के लिए मैं पॉज कर लेता हूँ, न्यू विंडो ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं न्यू ले लिया, तो मैं यहाँ पे स्केच लूंगा फॉर्म टूल में। तो पहले एक जो है मैं रेक्टेंगल बना लूंगा यहाँ पे, सेंटर रेक्टेंगल, फिर इसको मुझे डायमेंशनिंग करना है। यहाँ पे आएगा 300 की आपका अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे वो आ जाएंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों मुझे सर्कल बनाना होता है, सर्कल मेरा बनेंगे अप्रोक्सीमेट ये आपकी 30 का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी मेरा 30 की सर्कल बनेंगे, तो यहाँ पे भी मेरा 30 की सर्कल बनेंगे, तो यहाँ पे 30 की सर्कल बनेगा। तो मैं इसको ऑफसेट मार, ऑफसेट में इसकी 10 का मार देता हूँ, 15 कर लेते हैं इसकी, ठीक है। मैं सबको ऑफसेट ऑफसेट कर लेता हूँ, इसको मैं ओके कर देता हूँ। और जो मेरा इनसाइड पोर्शन है जो मुझे जरूरत नहीं है, इसको मैं ट्रिम कर दूंगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, अब मुझे इसका भी जरूरत नहीं है। तो बेसिकली मुझे इसको काटने के लिए काम आ गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ रहेंगे आपको ऑब्जेक्ट, भी बताएंगे क्या करना है इसमें,
ठीक है। तो ये मेरा यहाँ से हो गया है, तो इसको मैं एग्जिट करके, तो यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ एक्सट्रूड, ठीक है 10 mm का मैं इसको एक्सट्रूड कर दूंगा, ठीक है। अब नीचे से मुझे एक स्केच बनाना है जो मेरे एज ए स्टॉपिंग फेस काम करेंगे ये, ठीक है। तो एज ए मेरा ये स्टॉपिंग फेस काम करेगा, इसको मैं 10 mm का एक्सट्रूड कर दूंगा, मार्च कर दूंगा दोनों को, ठीक है। तो उसके बाद इसको आपको ड्राफ्ट लगाना है मेरा, जो ये रहेंगे इसमें मुझे ड्राफ्ट लगाना है, थोड़ा ड्राफ्ट ज्यादा लगेगा इसमें, सॉरी दोस्तों इसमें थोड़ा ड्राफ्ट ज्यादा लगेगा, और मुझे ड्राफ्ट जो है मैं उल्टा लगा दूंगा क्योंकि ये मुझे इसकी साइज कम नहीं करना है। तो ये सॉरी ऊपर वाली नहीं नीचे वाली, और इसको मैं 30 डिग्री का ड्राफ्ट लगा दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इस साइड भी लगाना चाहता हूँ तो मैं इस साइड भी लगा सकता हूँ, आपकी मर्जी, थोड़ा थोड़ा अगर बनाना चाहते हो तो बना दो, क्योंकि शीट मेटल में भी ड्राफ्ट थोड़ा ज्यादा रहता है। अब कितना चाहता है मुझे कमेंट पे बताइए, ठीक है। जिसको नहीं पता वो मैं बता दूंगा उसको मैं, और जिसको पता है वो कमेंट पे बताइए कितना होना चाहिए शीट मेटल पे, ठीक है। तो इसको मैं एज ए फॉर्म टूल कर लूंगा, फॉर्म टूल स्टॉपिंग फेस मेरा ये हो जाएगी, ठीक है। फेस टू रिमूव मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो मैं इसको अप्लाई कर दूंगा और इसको मैं सेव कर लूंगा एज ए सेव एज फॉर्म टूल, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ले जाना है जो मेरा था सीपीयू, इसमें नाम लगाऊंगा लोअर फॉर्म टूल, ठीक है। तो इसको मैं ओके कर दिया, सेव हो गई मेरा, यहाँ पे मैं ले आउट हूँ इसको, तो मुझे कुछ नीचे की तरफ से लगाना है, तो मैं इसको यहाँ ले आया। अब मेरा सीपीयू वाला मैं खोल लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा लाइब्रेरी काम नहीं कर रहा है अभी, मैं डाला भी नहीं हूँ इसमें, और डाल लूंगा वो भी। लोअर फॉर्म टूल ले आया मैं इसको यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मुझे रोटेट करना है, तो उसको मैं 90 डिग्री रोटेट कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे इसको पोजिशनिंग करना है, तो मैं कंट्रोल एट कर दिया था, तो ये थोड़ा बड़ा हो गई साइज जो है, मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, मैंने देखा भी नहीं तो मैंने एमएम में बड़ा कर दिया, तो इसको छोटा करना ही पड़ेगा दोस्तों, अगर ऐसे मिलेंगे नहीं आपके, तो इसको छोटा कर लेते हैं पहले, तो पहले इसको छोटा कर लेता हूँ। तो छोटा करने के लिए आपको मैंने शायद थोड़ा ज्यादा बड़ा कर लिया, जो मेरा बॉस है इसको मैं छोटा कर लूंगा थोड़ा, तो इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, पहले मैं आपको दिखाता हूँ ठीक करके, फिर हम बात करते हैं, टाइम लग जाएगी थोड़ा, ठीक है। तो मैं इसको जो है स्केल कैप लगा दूंगा, तो इसके स्केल कैप लगाऊंगा तो थोड़ा ये कम हो जाएगा, तो इसको मैं 20-20 का कर देता हूँ, या अब 25 का कर लो, ठीक है। उसके बाद देखो अभी मैं कांस्टेंट लगा है, तो कांस्टेंट को हटाना नहीं चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 0.8 का स्केल लगा देता हूँ मैं, हो गई आपकी। अब एग्जिट कर दो यहाँ से, ठीक है, आपका साइज में आ गई। अब सेव कर लो इसको एज फॉर्म टूल, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको सेव फॉर्म टूल में करना है। सॉरी इसमें मैंने क्लिक नहीं किया, फॉर्म टूल बटन, इस पर मैंने उल्टा नाम से सेव कर दिया, फॉर्म टूल बटन नाम से सेव कर लिया मैंने। तो मैंने इसको लिया है, ठीक है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, फॉर्म टूल बटन इसको मैं सिलेक्ट करके ड्रैग कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं क्लिक करके इसको तो 90 डिग्री में रोटेट करूंगा, उसके बाद मैं पोजीशनिंग में जाके कंट्रोल एट कर दिया, ठीक है। अब जो है इसको इस पॉइंट को इस पॉइंट से आप 200 कर दो, और कम करना पड़ेगा आपको, 180 के अप्रोक्सीमेट में देखता हूँ, ठीक है। और इस पॉइंट को
इस पॉइंट से अब 70 अप्रोक्सीमेटली अब 72 75 ओके और यहाँ पे थोड़ा कम करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आप 175 ले लो 77 150 mm का है 77 mm ठीक है, तो इस हिसाब से आप 172 ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फॉर्म तो बैठ रहा है ठीक है, तो आपको अप्लाई कर देना है ठीक है। तो इस हिसाब से आपकी नीचे का ये बैठ जाएगी जो आपकी सीपीयू कवर को साथ में ले जाएगा ठीक है। तो वैसे ही आपको करना है जो आपकी सीपीयू बैठ जाएगी इसमें ठीक है। तो आपको सीपीयू को भी तो बिछाना है, यहाँ पे हम जो मेरा सीपीयू है तो कुछ इस तरीके से वो नीचे बैठ जाएगा ठीक है। तो ये आपकी इतना ही था ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। लास्ट टाइम हमने जो है इसकी बॉटम प्लेट बना ली थी, अब जो हम बनाएंगे इसकी तो उसकी साइड प्लेट है। एक्चुअली क्या है, अगर जो इनसाइड मेरा जो फ्रेम रहती है, जो फ्रेम रहता है उस फ्रेम को आप अगर एक साथ बनाते हो तो इसमें क्या होता है जो आपकी जो अंदर सर्किट आती है, रैम आती है, हार्ड डिस्क आती है ठीक है, तो अलग अलग बैटरी यूनिट आता है, पावर यूनिट आती है, तो इसको असेंबल करने में दिक्कत आती है। तो ऐसे केसों में जब हमने एक मैन्युफैक्चरिंग किया था, एक क्लाइंट थे हम लोग की जो जिसको हमने डिजाइन किया था, थोड़ा मैं डिजाइन में बहुत सारे चेंजेस कर रहा हूँ उसके हिसाब से, तो उस केस में क्या हुआ था जो असेंबल करने में ना प्रॉब्लम आता है, तो आपको अलग अलग से बनाना पड़ता है, एक साथ आप मत बनाओ ठीक है। तो इस केस में भी अलग अलग बनाऊंगा ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर ले लिया मैंने, सबसे पहले एक मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ और इसका जो लंबाई है 33 ठीक है ठीक है, और जो इसकी हाइट है 330 का है। तो ये साइड का जो है पैनल है अपना ठीक है, तो ये साइड पैनल है मेरा ठीक है दोस्तों। तो इसमें ना हम बहुत सारे कट्स है तो हम वो भी बना लेंगे इसके अंदर ही, तो कुछ इसके हिसाब से मेरा कट्स है। तो इसकी साइज है ऑलमोस्ट 250 का और जो इसकी लेंथ है 90 mm अप्रोक्सीमेट इसका वो है, और इसमें साइड में मैं थोड़ा सा प्लेन लगाऊंगा, आई थिंक 10 mm काफी है ठीक है। तो मैंने यहाँ पे साइड में कट लगाया और ऊपर आपकी फेंडिंग के लिए यहाँ पे आपको भी 2-3 कट लगाना पड़ेगा। इसकी लेंथ है आपकी 50 mm की और जो हाइट है इसकी अप्रोक्सीमेटली 10 mm की आएगी ठीक है, और इसमें आपकी ब्लेंड डे आ जाएगी सारों में। टू एम एम के मैं ब्लेंड ले लेता हूँ ठीक है, तो इसमें मैं 2 mm की ब्लेंड ले रहा हूँ ठीक है। तो इसमें ऊपर छोटी छोटी कट है ठीक है, तो इसको मुझे थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर छोटी छोटी सी कट है दो, जो उसकी एयर वेंटिंग वगैरह के लिए काम आएंगे, वो हम जब मैं इसकी बॉटम प्लेट बनाऊंगा तो आपको इसको मैं सही तरीके से दिखा दूंगा कहाँ पे कितना हाइट लैंड डालना है आपको। 25 की है ये भी आपकी 25 mm की है, और दोनों के बीच में जो गैप आ रही है वो आपकी 25 mm की आ रही है ठीक है, और यहाँ से और इसकी जो लेंथ है वो आपकी 10 की है ठीक है, और यहाँ से इसकी जो लेंथ है दोनों को हम कर देंगे इसका 15 आ रहा है, तो यह हम लेंगे 12.5 का ठीक है। इसको मैं साइड में ले आया, इस साइड में कोई वेंटिंग नहीं दे रहा क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो लेफ्ट साइड रहेंगे जो इस साइड रहेंगे यहाँ पे हम फैन वैन के लिए अलग से स्लॉट कर देंगे, वो अलग से बनाना पड़ेगा आपको। तो फिलहाल यहाँ पे मैं 2 होल बना दे रहा हूँ, इस बीच का मैं 2 होल बना दे रहा हूँ, इसका और इसके बीच में जो डिस्टेंस है 180 के अप्रोक्स है, और ये साइड से रहेगा आपकी 70 mm ठीक है। तो ये मैंने बना लिया, एग्जिट कर दिया इसको,
अब मैं इसको बॉस बना देता हूँ। तो 0.5 mm के रहेंगे, 0.5 क्रॉस का रहेगा, तब तक ले लिया मैंने इसमें, ठीक है। ये मेरा ऐसे कट होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके ऊपर काम बाकी है, मैं दिखाता हूँ आपको क्या करना है। इसके ऊपर मुझे जो मेरा बाहर की तरफ बन के आएगी, मेरा जॉक बन के आएगा इसमें, ठीक है, थोड़ी हेम बन के आएंगे। तो मैं यहाँ पे हेम बनाऊंगा, बस इसमें हेम जो है आपको रिवर्स डायरेक्शन करना होगा, ये जब इसके ऊपर एक आपकी जो मेन शीट आ जाएंगे शीट मेटल की, वो इसको क्या करेंगे, जैसे कोई प्रेस करता है तो ये क्या होता है, थोड़ा वाइब्रेट सा होता है, ठीक है। वो चीज जो है इसमें टच रहेंगे वो चीजें, तो ये वाले प्रॉब्लम आपको नहीं मिलने वाला है। इसको मैं 5 का कर देता हूँ और इसको भी मैं 5 का कर देता हूँ, तो ऑलमोस्ट लाइक इस तरीके से आपके निकल के आएंगे। अगर फ्लैट हम लगाना चाहते हो तो मैं फ्लैट नहीं लगाऊंगा इसमें, तो ये जो मेरे रहेंगे, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 1 mm की, ओके, ठीक है। और ये आई थिंक मुझे ये ही वाला सही लग रहा है, तो इसको मैं जो है 1 mm कर दूंगा, ठीक है। मैं इसको 2 डिग्री का वो कर दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हेम जो है लगा दिया मैंने हेम, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें असेंबली करने में काम आएंगे, या इस जगह में आपकी सर्किट आ जाएंगे, और या इसके इस कोने में आपकी हार्ड डिस्क वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा मेरा इसकी जो पार्ट्स है, अब साइड में से मुझे इसकी, ठीक है, अब मुझे साइड में से इसका वो निकालना है, ठीक है, फ्लैंज निकालना है दोस्तों। तो फ्लैंज निकालने से पहले मैं इसको थोड़ा फिलर करना चाह रहा हूँ अंदर की तरफ, ये फिलर रहेंगे थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा फिलर लगाऊंगा राउंड वाला, इसको मैं यहां से डन कर दिया। अब इसके बाद मुझे इसकी आगे की तरफ एक मुझे वो निकालना है, जो आगे की तरफ निकलेंगे, और इसको मैं वायरी फॉल जो है 0.7 रखना है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ रहेगी आपकी अप्रोक्सीमेटली 10 mm की लेंथ रहेंगे, ठीक है। ये निकलेंगे आपकी बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड आपकी आगे निकल जाएंगे 10 mm की। और इसमें जो है आपके नीचे की साइड भी आएंगे, ठीक है। और इसकी जो है ऊपर की साइड हम नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट ऊपर की साइड के साथ बोल्टिंग कर देंगे, ठीक है। तो मैं नीचे का भी निकाल दे रहा हूँ, तो नीचे की अपना हमने प्लेट बनाए उसके साथ ये परमानेंट रिबिट लग जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया है। अब यहाँ से साइड में से जो आपकी ये बनेंगे, फिर यहाँ की साइड जैसे मेरा ये होगी इस तरीके से होगी, फिर जो आपने यहाँ पे फ्लैंज बनाया, जो मैंने यहाँ पे फ्लैंज बनाया इस तरीके से, तो वहां की तरफ निकला है। अब इसको हम यहाँ पे और एक आपको फ्लैंज लगाना पड़ेगा, जो आपके जो कवर रहेंगे उसमें ये काम करेंगे, फिर 0.7 के लेके यहाँ पे इधर की साइड भी, अब इसको 5 mm रख दो, या 3 mm भी रख सकते हो, ठीक है। अभी जो है मैं एग्जैक्टली वेट नहीं कर रहा हूँ, 2-3 mm कम, 1-2 mm कम ज्यादा भी हो सकता है जब हम इसकी असेंबली करेंगे, ठीक है। उस हिसाब से हम देख लेंगे, बोल्ट बोल्ट के हिसाब से लोकेशन वगैरह आपको देखना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी इस तरीके से वो आ जाएंगे। और दूसरी चीज ये है, इस जो मेरा इस साइड वाला है, तो इसको जो मैं हटा दूंगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे इसको नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हम रिवेट लगा लेंगे,
तो मैं सोच रहा हूँ इसको ना लगाओ, तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। तो एक ही साइड रहने देता हूँ इसे, अभी यहाँ पे डायरेक्ट हम वोल्टिंग कर देंगे। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ये मेरा हो जाएगा लेफ्ट साइड इनसाइड पैनल, ठीक है। तो मेरा ये बन गया है, ठीक है। यहाँ पे आपकी छोटी छोटी होल होगी जो इविट की तरह फिक्स हो जाएंगे, जो अंदर कंपोनेंट रहेंगे उसको स्टे करने के लिए, ठीक है। तो ये वो बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो आपकी कुछ इस तरीके से आपकी वो बन जाएगी। यहाँ पे आपको दो सपोर्ट के लिए वो लगाना पड़ेगा, मैं बाद में दिखाऊंगा कैसे लगाते हो, ठीक है। अब जो है मेरा लेफ्ट साइड का हो गया, अभी मैं राइट साइड में बना रहा हूँ। राइट साइड में एक छोटी सी प्लेट लगती है, बस सपोर्ट के लिए होती है। उसमें हम अलग से कोई बड़ी वाली कंपोनेंट नहीं लगाएंगे। एक्चुअली में क्या होगा, जो आप अंदर फैन होंगे, आपकी जो प्लग्स हो गए, आप रेडी टू एक्सेस कर सकते हो, मतलब कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, तो इसलिए ओपनिंग एरिया ज्यादा रहेंगे। तो मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको भी। तो मैं यहाँ पे स्केच ले लिया हूँ, ठीक है। तो पहले जो है हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे, ठीक है। अब इसका मैं साइज बताता हूँ आपको, इसका हो जाएगी आपकी 330 और इसका हो जाएगा आपका 80 का, ठीक है। तो मैंने साइज ले, ठीक है। तो इसमें भी छोटी छोटी होल्स है। एक्चुअली इसमें आपकी स्टंप लगेंगे, तो मैं स्टंप को रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि ये स्टंप लगाने जाऊंगा तो ये वीडियो बन जाएगी आपकी 6 से 7 घंटे का, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी कवर किया उस स्टंप, कैसे लगाना है, कहाँ कहाँ लगाना है, क्या क्या करना पड़ेगा। स्टंप के लिए कटआउट है या उसकी पंचिंग डाई है, इसकी या आप डाई शेप दे रहे हो, तो मैंने ऑलरेडी बताया वो। अगर आप चाहते हो तो आप कर सकते हो वो चीज़ें। मैं फोटो डाल लूंगा इसकी पूरी, कैसा है इनसाइड आउटसाइड सारे पार्ट को फोटो डाल लूंगा मैं, आप देख के बना सकते हो। बट मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगी इसमें, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे होल्ड बना दे रहा हूँ, ठीक है। 30 और ये आपकी हो गई 15 का, और ये साइड में से जो गैप रहेंगे आपके 15 का है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगाना है ब्लेंड, मास्क का लगा देते हैं ब्लेंड, ठीक है। तो मैंने प्लस का ब्लेंड लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो छोटी छोटी कटआउट है यहाँ पे, इस जगह में छोटी छोटी कटआउट है, तो आपको कटआउट चाहे तो आप कटआउट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्क्रू वगैरह लगेंगे, तो मैं स्क्रू के लिए जगह छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो मैं स्क्रू के लिए छोटी छोटी में जो सर्कल है, जिसकी डायमीटर है आपकी 5 की अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है साइड से, पास कर रख देता हूँ, ठीक है। अब इसको अब मैं एर कर देता हूँ, मेरा एक्स एक्सिस को मैं चेंज करके ये वाला एक्सिस ले रहा हूँ, सॉरी मेरा यहाँ पे लाइन को नहीं सिलेक्ट करना है, मुझे एक्सिस में सिलेक्ट करना है डायरेक्शन को, ये डायरेक्शन कर देता हूं मैं। तो इसके बीच में जो गैप है थोड़ा मैं गैप बढ़ाना पड़ेगा, 60 mm के अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस में है, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शेप होल कर दिया हूँ, इसको आपको मिरर करना है फिर इसके बाद, तो जहाँ जहाँ जरूरत होगा वहाँ पे आपकी ये चीज़ें लग जाएगी। तो मैं इसको मिरर कर देता हूँ,
हम डायरेक्टली स्केच को भी सिलेक्ट कर सकते हो जो आपने लास्ट टाइम, तो इसको मैं यहाँ पे मिरर कर दिया हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे मैं इसको एडिट कर ले रहा हूँ, और उसके बाद मैं इसको शीट मेटल में जाके 0.5 mm की दे दिया मैंने, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपकी साइड में से एक बनेंगे अप्रोक्सीमेटली 5 mm की, ठीक है। तो मैं यहाँ से 5 mm की एक फ्लेंज बना रहा हूँ, ये मेरा निकलेंगे बाहर की साइड, और इसका जो रेडियस होगा 0.7 के आसपास, और ये जो बनेंगे 5 mm की, ये आपकी बनेंगे। और इसके बाद यहाँ से इस साइड आपको बनाना है 0.7 के आसपास, और इसकी जो लेंथ मैं 3 mm का कर देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली होगा क्या, इसमें जो मेरा ये सीज रहेगा ऐसे हिसाब से रहेगा वो, ठीक है। यहाँ पे बोल्ट होगा और ये ऐसे सपोर्ट के लिए रह जाएगी, और इस साइड जो है मेरा हेम लग जाएगा, ठीक है। जो मेरा सर्कुलर हेम है वो लग जाएगी, इसको मैं रिवर्स डायरेक्शन कर देता हूँ और ये वाली हेम लग जाएगी इसमें, ठीक है। रेडियस मैं 0.5 कर देता हूँ, ठीक है। अब जो मैंने मिरर किया है उसको मैं थोड़ा पोजिशन ही चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ये गड़बड़ी हो जाएगी। तो मैं मिरर जो है मेरा इसको मैं पोजिशनिंग चेंज कर दूंगा। एक्चुअली इसको स्टैंड बनाने के लिए बनाया इसने साइड में, तो मेरा जो होल है इसकी मैं जो मिरर मार रहा हूँ, तो इस मिरर को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको आपको चेंज करना है मिरर वाले को, ठीक है। तो मैं एक एक करके डायमेंशन नहीं करता हूँ, या पूरी को आपको चेंज भी कर सकते हो। मैंने मिरर को हटा दिया 5 से लेके इसको मैं 8 mm कर देता हूँ, मैं 10 से कर देता हूँ। एक्चुअली ये जो होल है जो अंदर आपकी कंपोनेंट रहेंगे उसको आपको पकड़ के रखने के लिए ये होती है एक्सेल में, एज ए सपोर्टिंग होल काम करेंगे। यहाँ पे जो एक स्क्रू लगेंगे, ठीक है। अब कौन से कहाँ पे स्क्रू लगेंगे मैं आपको डिटेलिंग में बताऊंगा लास्ट में जब हम असेंबली करेंगे, ठीक है। और मैं असेंबली में चीजें इंपोर्ट नहीं कराऊंगा, जो ऑलरेडी है हम बनाएंगे उसको, फिर हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो हम वैसे करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई मेरा, ठीक है, ये प्लेट भी मेरा हो गया है। अब इस प्लेट के साथ आपको बाहर की तरफ निकालना पड़ेगा, बाहर की तरफ इसलिए निकालोगे, ये जो मेरा है इसको नीचे से हमको फिटिंग करना है। नीचे से फिटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे एक फ्लैंज बनाना पड़ेगा बाहर की साइड, और इसका रेडियस भी हम लेंगे वही 0.7 के अप्रोक्सीमेटली, और इसको हम 10 mm के कर देंगे जो नीचे से प्लेट के साथ सपोर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। अब साओ तो यहाँ पे भी लगा सकते हो, जो आपने एक्सटेंड किया है तो यहाँ पे भी आप लगा सकते हो साओ, एज ए सपोर्ट काम कर लेंगे ये भी। बट यहाँ पे इससे लगा में आपकी वोल्टिंग तो नहीं होगी, ठीक है, वो आप चाहो तो लगा सकते हो। वैसे मैं यहाँ पे जो जो स्क्रू आएंगे वो मैं यहाँ से वोल्ट कर दूंगा, तो मैं इसको नहीं लगा रहा हूँ, तो मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ। ये होगी आपकी राइट साइड इनसाइड पैनल, ठीक, रिबिल्ट, ठीक है, ये सेव हो गया आपकी। अब जो एक लास्ट कंपोनेंट मेरा रह गया है, वो कंपोनेंट जो अभी है हम जो वेंटिंग वेंटिंग के लिए वो बनाएंगे, वो बना रहा हूँ अभी लास्ट। तो इसके बाद हम इसको असेंबली स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हाय फ्रेंड्स, अभी जो है हम जो लास्ट पार्ट है हम वो बनाने वाले हैं। तो ये पार्ट में थोड़ा बहुत कुछ है, तो ध्यान से देखिए इस पार्ट को, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो अल्टीमेटली जो एस्थेटिक है इसके ऊपर आने वाला है, तो इसको डिजाइनिंग थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा आपको। तो मैंने एक ले लिया, अब जो इसकी साइज जो है
तो ये इसकी जो है साइज है, ठीक है। तो अभी इसमें एक कटआउट है, ठीक है। अब पहले मैं इसकी वो बना लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ मैं इसकी कैसे वो बनाना है, ठीक है। तो हम बनाएंगे इसको भी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जो है इसकी कटआउट वगैरह बना लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद जो है हम वो बना लेंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तो हम बना लेते हैं कटआउट में बांटना करता हूँ। पहले इसकी साइज में दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0.5 की वो लगा दिया, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं इसकी कटर जो मैं फ्लैंज बनाने से पहले इसकी मैं स्टम्पिंग वगैरह करूँगा। तो स्टम्पिंग करने के लिए थोड़ा बहुत चेंजेस है इसमें, तो मैं मेरा जो है कंपोनेंट है ये ऑन कर लिया मैंने, मैं स्टाम्प टूल ले आया यहाँ, ठीक है। तो इसको मैं स्किन में आ जाता हूँ। अगर आप इसमें कंट्रोल एक काम नहीं करेंगे, आप स्पेस दबा के इसकी पोजिशनिंग कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी आप लोकेशन देख लो पहले, कितना लोकेशन डिस्टेंस में है। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट में 50 का रहता हूँ, ये आपके और अंदर आएंगे। एक्चुअली ये मैंने जो बनाया था तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करना वो भूल गया था, तो इस केस में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और जो मेरा ऊपर से ये आएंगे अप्रोक्सीमेटली 130 mm की डिस्टेंस पे रहेगा, तो ये वाला। तो मैं इसकी साइज जो है थोड़ा से नीचे आएंगे, ये 160 के अप्रोक्सीमेटली ले आऊंगा नीचे, ठीक है। ये मेरा आ गया है। अब इसको मुझे बाद में एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे काट करना पड़ेगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने इसे बनाया था यहाँ पे, ये जो चीज है इसमें निकल के आया था, तो मुझे अलग से इसको काट करना पड़ेगा। तो मैं काट कर देता हूँ, करके आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने काट कर लिया है, मैं आपको एक चीज थोड़ा डिटेलिंग में समझा रहा हूँ। जैसे हम काट कर लिया, मैंने यहाँ पे मेरा लाइन आ रहा है, बट अब इसमें देखोगे ना तो मैंने जो है यहाँ पे जो आपने देख पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई डायरेक्शन 2 नहीं ले रहा हूँ, फिर भी यहाँ पे मेरा लाइन आ रहा है। अब देखो यहाँ पे मेरा लाइन आ रहा है कट करने में, है ना। तो इस केस में इस लाइन को कैसे आता होगा, तो आपको मैं ही बताने वाला हूँ आज, ठीक है। तो बहुत सारा कॉम्प्लिसिटी होती है डिजाइनिंग में, जो आप करते हो सही से फिर भी हो जाती है, तो आप इन दोनों को ऑफ कर लिया करो, तो आपको मिलेंगे नहीं वो चीजें, देख रहे हो। तो ये चीजें होती है, जो यहाँ पे लाइन आ रहे थे वो भी नहीं मिला आपको, ठीक है। तो ऐसे ऐसे तरीके होते हैं डिजाइनिंग में, आपको लेके चलना होता है, यही तो होता है दोस्तों। जैसे कोई बंदा फ्रेशर काम करता है, कोई बंदा एक्सपीरियंस काम करते हैं, यही उसी भी होते हैं, जो आपको ध्यान रख के बनाना पड़ता है, ठीक है। चलो मैं इसको भी काट लेता हूँ फिर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे काट हो गया है, ठीक है। और ऊपर में काट अलग से लगाऊंगा, मैं आपको दिखाता हूँ वो भी कैसे करना है। उसके पहले इसके ऊपर दो मैं वो लगाऊंगा, जो ये वाला मैंने लगाया था, ये फॉर्म टूल जो मैं लगाया था, मैं इसको दो लगाना है मुझे यहाँ पे भी। तो मैं फॉर्म टूल ले आता हूँ, ठीक है। तो पहले जो है मेरा स्केच ओपन कर लेता हूँ मैं, तो फॉर्म टूल में ले आया, ठीक है। तो ये जो है फॉर्म टूल बहुत वो है, तो मैं इसको लगा के करना है आपको, स्पेस दबा के इसको कर लो, ठीक है। मैं इसको लगा के लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है। लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, इसको पहले लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो को भी के लिए पॉज कर दे रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों मैंने साइड में जो है काट लिया है, अब इसका मैं आपको पेंटिंग बनाना बताऊंगा। अब इसमें मैं स्टैम्प टूल वगैरह लगाऊंगा, वो आपको दिखाऊंगा, मैं पेंटिंग भी आपको साथ में दिखा देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन रहा है और मैं नहीं चाहता हूँ कि फालतू में बहुत चीजें बने, ठीक है। तो स्टैम्प टूल मैंने स्केच बनाया ये, फिर मैंने इसको एग्जिट कर दिया, देख पा रहे हो स्केच आपकी कैसी है। तो पेंट पे गया, तो सबसे पहले हम इसकी बाउंड्री बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो कनेक्टेड रिब्स है, आप रिब्स सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अब रिब की थिकनेस ज्यादा है, हम इसको कम करेंगे, ठीक है। तो आपको सिलेक्ट करना है सबको, ध्यान रखना कि पहले कनेक्टेड ही सिलेक्ट करो, उसके बाद ही जो अंदर अंदर है उसको भी सिलेक्ट करो आप, उसके बाद ही करो, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, और ये मैं आप देख पा रहे हो, और इसको मैं 2 mm का कर देता हूँ, ठीक है। 2 mm बहुत हो गई, 3 mm भी कर सकते हो आपको जैसे ठीक लगे, ठीक है। और जो इनसाइड है इसको मैं क्लोज करना जा रहा हूँ, ठीक है। फिल इन बाउंड्री में आप इसको सिलेक्ट कर दोगे तो ये फिल हो जाएगी आपकी लाइक इस तरीके से, ठीक है। तो आपने सिलेक्ट कर लिया है, अब इसको हम ओके कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप हैंड बना सकते हो। अब इसमें मुझे करना ये है, मैं कोने कोने में मुझे ब्लेंड लगाना है, फिलर लगाना है, तो मैं फिलर लगाऊंगा,
ठीक है, तो मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, फिर लगा देता हूँ, फिर आपको वीडियो इसके बाद आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने फेंटिंग मेंटिंग बना लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी छोटी होल्स है, होल भी बनाएंगे हम। ठीक है, तो इसके पहले मैं इसकी जो स्टेम टूल है वो बनाने जा रहा हूँ, तो मैं स्टेम टूल बना लेता पहले, फिर हम बात करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो मैंने इसको बना दिया है, तो यहाँ पे फ्रॉम टूल भी लग गई, काट भी होगी, तो ऊपर आपकी जो पावर की बटन आता है ना, पावर यूनिट का जो प्लग बनती है इसमें, वो बना रहा हूँ। और नीचे थोड़ा पेंटिंग के लिए मैं एरिया बना लूंगा, और साइड में थोड़ा फ्लैश लगाना पड़ेंगे, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पावर यूनिट का कट लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पावर यूनिट का कट लग गई है, अब साइड में वो लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने बना लिया है, अब मैं इसकी फ्लैश लगाऊंगा, अलग अलग फ्लैश लगाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉकेट रहेंगे दो, जो पावर यूनिट होती है, यहाँ पे पावर यूनिट वाला सिस्टम रहेंगे, यहाँ पे जो केबल होते हैं ना, जैसे पुराने डीवीडी वगैरह में लगती थी, ये आपकी सॉकेट है यूएसबी का, यूएसबी का ये वाईफाई कनेक्शन वाली है, और ये इंडिकेटर ब्लैंक है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अलग अलग से जो कट है अंदर जो सिस्टम लगती है, यहाँ से आप एक्सेस कर पाते हो, वो वाली चीज है, ये आपकी फेंटिंग के लिए हमने जो पंखा रहती है वो बनाया अभी। तो इसके में मैं इसके बाद जो है मैं साइड में वो बना देता हूँ, पेज लगा देता हूँ इसमें। ठीक है, तो मैं साइड में एज निकाल देता हूँ, इसको मैं जो है थिकनेस है 0.7 ही रखूंगा, और इसकी जो लेंथ है ऑलमोस्ट, ये जो लेंथ गया है दिखा रहा है, तो ये ऑलमोस्ट 15 mm तक अंदर गया है। ठीक है, तो मैं इसको 15 mm अंदर ले जाऊंगा। ठीक है, और नीचे से भी ये 15 mm अंदर गया है, बट इसमें थोड़ा सा ना चेंजेस इन द सेंस, तो मैं इसको भी 15 mm का ले जा रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल्ट हो जाएगी आपकी, तो आपकी ये, ठीक है, ये हो गई है, और ऊपर जो है डायरेक्ट इसमें बोल्ट लग जाएगी। तो अभी के लिए मैं इसमें कोई बोल्टिंग वोल्टिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो हम बाद में करेंगे, तो अभी के लिए फिलहाल कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें दोस्तों देखना ये है, एक साइड में थोड़ा चेंजेस है, जो लेफ्ट साइड है वो ठीक है, राइट साइड में थोड़ा सा चेंजेस रहेंगे, बताता हूँ कैसे करना है इसको। ठीक है, तो इसको मैं 15 mm की फ्लैश नहीं लगाऊंगा, इसमें मैं 2-3 mm का ही फ्लैश लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अलग से एक जो बोल्ट है, हम इसमें जो है बोल्ट लगाने वाले हैं साइड में से, तो अगर 15 mm लगाओगे तो यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर वगैरह जो आपके स्क्रू के लिए जो लाइन की वगैरह लगाओगे तो ये घुस नहीं पाएंगे इसके लिए, तो मैं इसको फिलहाल के लिए यहाँ से स्किप कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसको मैं अलग से बनाऊंगा, ऑलमोस्ट 3 या 4 mm की इस तरफ के, तो मैं इसको 5 mm का अलग से बना लिया इसको। ठीक है, ध्यान रखना है लेफ्ट साइड में बनाना, साइड भी याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये आपकी बन गई है, तो यहाँ से यहाँ पे थोड़ा सा ना इसको कैप रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम अलग से एडिट स्केच कर लेता हूँ मैं, और सॉरी मुझे एडिट स्केच करूंगा तो एक ही स्केच में एडिट हो पाएगी, तो आपको अगर करना है तो आप जाके एडिट फीचर करना पड़ेगा, फिर पार्टिकुलरली उस प्लान को सिलेक्ट करना है जिस प्लान को आपने डिजाइन किया था, सही है मेरा, तो मैं इसको सिलेक्ट करके एडिट प्लान करना है, तो मैं साइड से थोड़ा गैप रख देता हूँ बोथ साइड से। तो मैं यहाँ पे सॉरी इसमें सिलेक्ट हो गई मेरा, तो यहाँ का जो मैं लेंथ है, तो लेंथ को मैं कर देता हूँ ऑलमोस्ट 5 mm नहीं, मैं इसको 10 mm कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपकी वो आएंगे अलग अलग से, यार वो क्या रहा है, तो इसको 10 mm कर देता हूँ मैं। सिमिलरली अब उसके इसको भी मुझे शेयर खानी करना है, इसको भी, तो इसको शेयर खानी करने के लिए हम इसको भी, इसको मैंने क्लिक कर दिया, अब इसको भी मुझे शेयर खानी करना है, यहां से इसको, टेन था तो ये 10 mm कर दिया मैंने, फिनिश। ठीक है, तो ऐसे मैंने इसको बना दिया, बाद में जो भी असेंबली में चेंजेस होगा हम वो वगैरह कर लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं
बैक प्लेट के नाम से सेव कर लेता हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी बैक प्लेट जो है बन गया है। तो देख पा रहे हो सारी कुछ चीजें जो है आपकी, है ना। तो इसको मैं अभी के लिए, तो अभी जो है हम असेंबली में बात करेंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो ये असेंबली हो गया है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टिंग करना है। तो देख पा रहे हो, ठीक है। तो इसको मैं एनिमेट कॉलअप करके मैं आपको दिखाता हूँ सारे पार्ट जो है। ठीक है, तो ये सारे पार्ट है, बन गया है। ठीक है, तो इसको मैं काट देता हूँ। तो हम जो है इसको जो मैंने असेंबली मैच लगाया, मैं सारा को हटाता हूँ, फिर इसको दोबारा से मैं इसको असेंबली करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखो दोस्तों एक्चुअल में होता क्या, एक्चुअली जितने भी असेंबली मैच है मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, आप देख पा रहे हो मेरा कंपोनेंट कैसा है। ठीक है, तो मैं सबको सिलेक्ट करके इसको हटा के दोबारा आपको असेंबली करके दिखाता हूँ। सारा असेंबली मैंने हटा दिया। ठीक, अब मैंने सारा कंपोनेंट जो है मैंने इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा ये होती है। ठीक है, तो मैं इसको एक जगह कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको किस वाले कंपोनेंट को आप फिक्स करना चाहते हो, जो सबसे पहले आया था ये कंपोनेंट जो है ऑलरेडी फिक्स है। ठीक है, तो हम इसको कर लेंगे। तो मैं मैथ में गया। ठीक है, तो मैं इसको डिसमेंटल करना पड़ेगा आपको। तो जो मैंने एनिमेट कोलैप्स करके रखा था इसको मुझे हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो सीजी था मैंने ऑलरेडी कॉन्स्टेंट हटा दिया है, मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ ये सीजी को। ठीक है, तो मैं न्यू ले लिया असेंबली। ठीक है, तो सबसे पहले जो है जो मेरा सबसे पहला प्लेट लाऊंगा मैं यहाँ पे ये वाला लाऊंगा। तो इसको मैं एज ए फिक्स कंपोनेंट सिलेक्ट करूंगा। तो मैं बैक प्लेट लाऊंगा सबसे पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लाएंगे बैकप्लेट को ही। ठीक है, तो मेरा ये जो बैकप्लेट जो है आगे जो पहला कंपोनेंट होता है ऑलरेडी फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इस कंपोनेंट को फिक्स हो गया। अगर इसको फिक्स को हटाना है तो आप यहाँ पे फ्लोट कर सकते हो। ठीक है, तो आप जैसा चाहो आपके हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा पहला वाला कंपोनेंट जो है आ गया है। अब मैं दूसरी जो कंपोनेंट लाने वाला हूँ, अब फिलहाल के लिए मैं जो मेरा ये प्लेट है मैं इसको हाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं दूसरा जो कंपोनेंट लाऊंगा मैं ये वाला लूंगा मैं। ठीक है, तो मेरा इसका जो नाम है बॉटम कवर का नाम से मैंने सेव करके रखा हूँ, तो मैं इसको बॉटम कवर को लाने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरा बॉटम कवर ये रहा आपका कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो बॉटम कवर में दोस्तों आप कुछ अगर चेंजेस करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। तो बॉटम कवर में मैं चेंजेस ये है मेरा, जो मेरा कॉम्पोनेंट रहेंगे प्लास्टिक के आगे वो आगे चले जाएगी। ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे वो आगे चले जाएंगे और जो यहाँ पे वो चीजें खत्म हो जाएंगी। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने ये करके रखा था। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो है मेरा ये फेस जो है इस फेस में टच होगा। ठीक है, तो बस मैं इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस रखूंगा, लाइक मैं 2-3 mm का मैं डिस्टेंस रख दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो मेरा ये फेस है तो ये इसमें टच होंगे। ठीक है, ठीक, अब दोनों की आपको सेंटर निकालने के लिए आप एक तरीका यूज कर सकते हो। जैसे मुझे इसके सेंटर पे रखना है तो इसके लिए आप सेंटर निकाल सकते हो या दोनों में प्लान लेके। तो ये थोड़ा लंबा होगा तो मैं ज्यादा सर मैं ऐसे कर दूंगा इसको। तो मैं यहां से मैं इसको कर दूंगा लाइक इस तरीके से। तो दोस्तों इसमें आपको देखना है गैप कितना आ रहा है। तो इसमें मैं इसको फ्लिप तो हटा देता हूँ, इसको मैं गैप कर देता हूँ 2 mm की। ठीक है, 2 mm थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा यहाँ पे। आप इसको मेजरमेंट करने के लिए पहले इसको आप कॉन्सिडेंट कर दो। ठीक है, उसके बाद आप इवाल्वेट में जाके अब इसको मेजर कर सकते हो। उसके बाद दिखा देता हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो ये आपके आ रहा है 10 mm की। तो हम जो है गैप रखेंगे 5 mm की रखेंगे, जो आपने डिस्टेंस दिया है ये वाली 0 जो किया है आपने, इसको आप 5 mm कर दो तो ये सेंटर पे आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो बिना प्लान के लिए। ठीक है,
तो अब देख पा रहे हो ये मेरा इस हद तक ये हो जाएगा, और यहाँ से आपको थोड़ा सा ना डिस्टेंस रखना पड़ेगा, लाइक कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे डिस्टेंस रखना पड़ेगा। डिस्टेंस इन द सेंस, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे रखा है, थोड़ा सा गैप रखा है जो मेरा ये ओपोनेंट है, तो मैंने इसको नीचे ले आए और इसको ऊपर ले आओ, फिर यहाँ पे थोड़ा आपको गैप रखना पड़ेगा, तो आप भी रख देना, इसको गैप रखना जरूरी है। तो मैं इसको दिखा देता हूँ कैसे आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप देख पाओगे, अब ये जो है हमने डिस्टेंस इसके लिए है कोइंसिडेंट मैंने इसका किया, और इसका इसका मैंने जो है जीरो करके रखा था स्पेस की और स्पेस की। तो मैं ये जो मेरा डिस्टेंस है मैं इसको हटा रहा हूँ, और मेरा जो डिस्टेंस रहेंगे इसके साथ रहेगा, ठीक है। तो असेंबली में जाके मैट करके, कभी भी दोस्तों ऐसे एजेस में मत करना, कभी कभी हम इसके ऑफसेट ले लेते हैं, तो हमेशा जो मेन बेस है उससे डायमेंशन करना। कभी कभी आप असेंबली में एडिटिंग करते हो तो आपकी ये चीजें पंगा बढ़ जाएगी आपका, ठीक है। तो अब ओके है, कोई इंटरफेरेंस वगैरह नहीं हो रहा है, ठीक है। कहीं पे अगर इंटरफेरेंस हो रहा है तो आप इंटरफेरेंस देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे जाना है आपको इवोल्यूट में जाके, आप क्लियरेंस चेक कर सकते हो, आप बॉडी सिलेक्ट करो, दोनों बॉडी में कितने क्लियरेंस आ रहे हैं आप देख पा रहे हो, 10 का क्लियरेंस है, क्लियरेंस कितने का आ रहा है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर इसमें इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब दोनों बॉडी अगर आपस में टच कर रहा है, तो आप कैलकुलेट करके, यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है थोड़ा सा, देख पा रहे हो है ना, तो यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है, तो आप ऐसे मेजरमेंट करके इंटरफेरेंस निकाल सकते हो। तो मैं इंटरफेरेंस के लिए थोड़ा मैं गैप ज्यादा करना पड़ेगा फिर आपको, जो अब मैंने 2 mm लिया है, तो ये फेस और ये फेस जो टच हो रहा है, तो इसको आप 2 mm की गैप दे दो, कुछ एक तरीके से आप इंटरफेरेंस वगैरह जो है आप हटा सकते हो। कोई इंटरफेरेंस नहीं आ रहा है, तो असेंबली में आपको देखना पड़ेगा ये टच नहीं हो रहा है, आपको सेफ्टी लेके चलना पड़ेगा आपको, जब भी आप असेंबली डिजाइन करोगे ना, तो आप सेफ्टी वगैरह लेके चलना है आपको, ठीक है। तो अभी थर्ड जो कंपोनेंट है मेरा, थर्ड कंपोनेंट मैं इसमें करूंगा, जो मेरा ये कंपोनेंट है मैं इसको लाऊंगा, तो ये जो है मेरा इस साइड में आएंगे, ठीक है। इसका नाम जो है राइट साइड इन साइड पैनल, ठीक है। तो मैं इस कंपोनेंट को ले आता हूँ, ठीक है। जैसे आप किसी पार्ट अंदर पार्ट में एक्टिव रहते हो, क्या हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाके राइट साइड इन साइड पैनल को ले आता हूँ, ठीक है। अब राइट साइड जो इन साइड पैनल है आपकी, इसकी मैं इसको भी मैटिंग करना आपको जरूरी है, तो आप ये फेस जो है इसके साथ बोल्ट हो जाएंगे, ठीक है। और आपके जो ये फेस है ये आ जाएंगे आपके, इसको मैं अभी बाद में करूंगा, पहले जो है इसको मैं डायरेक्शन देना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये आपको देखना पड़ेगा कि हाँ किसके साथ है। अभी मैं फिलहाल के लिए मैट कर दे रहा हूँ, बाद में मुझे चेंज करना भी पड़ सकता है, ठीक है। तो मैं अभी के लिए मैट कर दूंगा, बाद में चेंज करना होगा तो मैं चेंज कर लूंगा, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट है आपकी, इसके यहाँ तक आ जाएंगे वो फेस, मैंने कल वाला फेस सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है ये वाला फेस, ठीक है। तो जहाँ पे मुझे लगे चेंज करना है तो मैं वहाँ पे चेंज कर दूंगा, जैसे यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा, जैसे मैंने इसको कॉन्सिडेंट किया था, यहाँ पे मुझे ऑप्शन भी रखना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 mm का ऑप्शन रख दूंगा कुछ ऐसे, तो आप देख पाओगे यहाँ पे कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन रख दिया है, अब इसको आप देख पा रहे हो XYZ जो है इसकी मीटिंग हो गया, अभी ये नहीं हिलेगा। सिमिलरली आपको इस साइड से भी इसको पैनल लाना है, तो मैं इसको लाने के लिए मैं दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या हमने चेंज किया। देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे तरीके से लगाया, जिसको मैंने इस लगाया, अब इस तरीके से मैं अब इस पैनल को लगाने वाला हूँ, इसको मैं हाइड कर दे रहा हूँ, मतलब क्लियर देख पाओ, इस पैनल को मैं लाने वाला हूँ, ठीक है। तो इस पैनल को भी लाएंगे हम, ठीक है। तो इस पैनल को लाने के लिए आप जाओ इनसाइड में जाके, मैं लेफ्ट साइड लेना था, मैं राइट साइड लिया इसको,
ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से लगेंगे, ये वाला चीजें जो है आगे आ जाएंगे। तो हम जो है सबसे पहले इसका जो नीचे वाला पोर्शन है हम इसको फिटिंग करते हैं इसके साथ। तो ये और ये बेस सेम रहेंगे दोनों बेस। अगर ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे रोटेट भी कर सकते हो लाइक इस तरीके से, ऐसे रहेंगे ये। ठीक है, अब उसके बाद जो है आपकी जो कंपोनेंट है, ये जो आपकी कंपोनेंट है इसको आप आगे ले आओ। ठीक है, तो आगे ले आते हम, बाद में मुझे एडिटिंग करना होगा तो मैं कर दूंगा, अभी के लिए मैं कॉन्स्टेंट मिला रहा हूँ उसकी। ठीक है, इसकी जो एज है, ठीक है, इसकी जो एज है तो इसको मैं अंदर की तरफ ले जाऊंगा। ठीक है, इसको मैं अंदर की तरफ ले जाऊंगा। ठीक है, तो वहां पे हम बोल्टिंग बोल्टिंग कर देंगे, जैसा भी आप साफ हो वैसे हो जाएगा यहाँ पे भी काम। ठीक है, देखना हो यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो, इसको थोड़ा बहुत चेंजेस करना होगा तो हम कर लेंगे वो भी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप आएंगे, कोई इशू नहीं है, हम नीचे से इसको बोल करके फिटिंग कर देंगे इसको, इसलिए थोड़ा सा गैप है जो स्क्रू वगैरह यहाँ पे हो पाए तो हम गैप रख देंगे इसमें। यहाँ दोस्तों आप देख पा रहे हो थोड़ा सा ना इंटरफेरेंस हो रहा है इसके साथ। ठीक है, तो ये आप इसके गैप बढ़ा सकते हो या इसको आप आगे ले सकते हो। आगे भी लाओगे तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हमको सेम ही चाहिए। ठीक है, जो मेरा बोल्ट होगा इसके साथ होगा, तो मैं इसको आगे नहीं करूँगा, तो टोटल लेंथ जो मैंने इसको बनाया था इसके साथ, तो इसको लेंथ में थोड़ा आगे कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे 2 mm लिया था तो इसको मैं 3 mm कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे करते हो आप ऐसे सेव करके आप अपडेट कर दिया करो तो आप देख पाओगे यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस थोड़ा सा हो रहा है, देख पा रहे हो थोड़ा सा यहाँ पे हो रहा है, इसको अभी हम चेंज कर देंगे। अप्रोक्सीमेटली मैं इसके 4 mm गैप कम कर दूंगा, नहीं तो आप इसकी लेंथ कम भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको बढ़ा दिया हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो ये मेरा जो है हो गया है सर, मेरा जो प्लेट आ गई। अब जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है तो मैं इसमें थोड़ा प्लास्टिक पार्ट ऊपर का प्लेट लाऊंगा, उसके बाद में प्लास्टिक पार्ट लाऊंगा। तो मैं यहाँ पे टॉप प्लेट लाऊंगा पहले, तो इसमें मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ जो मेरा टॉप प्लेट है, तो टॉप प्लेट में ऑलमोस्ट दोनों साइड सेम ही है, मैंने एक साइड से काट करके रखा हूँ बुध साइड से, क्योंकि यहाँ बोल्टिंग होगा और इसमें स्पेस चाहिए मुझे। ठीक है, तभी तो मेरा ये जो साइड की जो पैनल है तभी घुस पाएंगे वो चीजें। तो मैं यहाँ पे टॉप प्लेट ले आता हूँ इंसर्ट, टॉप प्लेट। ठीक है, तो टॉप प्लेट में ले आया हूँ, मैंने इसके ऑलरेडी कलर डाल के रखा था जब मैंने ट्रायल असेंबली किया था। तो इसको ऑलमोस्ट दोनों तरफ सेम है, तो आप कैसे भी हो इसको आप सेट करवा दो। तो मैं पहला जो है ये फेस और मैं ये फेस को मैस्क मैट कर रहा हूँ, कोइंसिडेंट कर रहा हूँ, बाद में मैं ऑफसेट वोसेट दूंगा इसकी, अभी के लिए मैं इसको देख रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जो स्टेप है दोनों के सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, तो अब इस फेस की, इस जो फेस है आपकी, ये फेस अब इसकी मैं इक्वल ले आ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसकी इक्वल ले आया हूँ। ठीक है, अब हम इसको आगे पीछे करेंगे थोड़ा। ठीक है, अब ये जो आपकी एज है, अब ये वाली एज जाएंगी आपकी ऊपर तक, यहाँ तक, हमेशा यहाँ पे करना, क्योंकि कभी कभी हमको इसको छोटा बड़ा करना पड़ता है असेंबली होने के टाइम पे, तो मैं हमेशा यहाँ से लेना मुझे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अब देख पा रहे हो यहाँ पे थोड़ा मुझे नीचे लाना पड़ेगा, थोड़ा मैं आगे पीछे करूँगा और थोड़ा मुझे नीचे भी लाना पड़ेगा, ये जो है नीचे तक आएंगे। और जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा टच हो रहा है कि इसको हम वो भी ठीक करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं इसकी जो मेरा जो साइड है, साइड व्यू से आप देख लो दोनों इक्वल आना चाहिए, इक्वल आ रहा है। ठीक है, और इसको मुझे थोड़ा सा पीछे करना है। ठीक है, तो मैं ये वाला व्यू ले लेता हूँ, इसको मुझे थोड़ा नीचे लाना है।
नीचे लाने के लिए मैं पहले कॉन्स्टेंट देख लो, कॉन्स्टेंट देख लेता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने देखा इसमें थोड़ा सा टच हो रहा है, तो मैं जो है इसको जो मैंने ऑफसेट किया था तो मैं थोड़ा ज़्यादा कर लूँगा, ज़्यादा इन द सेंस। आप देखो कौन सी वाला कमांड था, ये नहीं था आपकी, आई थिंक ये वाला होगा शायद, हाँ ये है। तो इसमें जो है हमने ऑफसेट लिया था 2 का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 के जगह में इसको मैं 4 mm कर दूंगा, 4 mm में, ओके 3 mm। अब देखो इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, बस कितना भी mm कर लो आप। ठीक है, तो अब ऐसे ही नहीं हो रहा है, तो अब देख लो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको 3 mm कर दिया, तो ये इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है ना, एज आई कैन सी अब इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसको मैं नीचे ले आऊंगा, जो मैंने कोइंसिडेंट लगाया इस फेस से इस फेस तक, इसको मैं हटा दूंगा फिलहाल के लिए, क्योंकि ये वाला मुझे गलत है, मुझे देखना था इसलिए मैंने लगाया। आप ट्रायल करके आप देख सकते हो कैसे लगाना है कैसे नहीं लगाना है। आप ये फेस और मैं इस फेस के साथ लगा दे रहा हूँ। अब मैं गैप से रख दूंगा, 5 mm की गैप रख दूंगा थोड़ा सा। अब देखो कहीं और इंटरसेक्ट तो नहीं हो रहा है, तो आपको वो भी चीज़ें देखना होगा, सारी कुछ चीजें आपको देखना पड़ेगा। जैसे मेरा यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे आपको इसको काटना पड़ेगा अगर इंटरसेक्ट हो रहा है तो। ठीक है, तो लेंथ भी बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे ठीक है, इस साइड ठीक है आपकी, बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको काटना पड़ेगा। ठीक है, तो पार्ट में कैसे एडिट करते हैं असेंबली में वो भी देख लो आप। तो जैसे मेरा ये यहाँ पे इसको साथ, तो मैं यहाँ पे वो लगा दूंगा, स्क्रू लग जाएगी, मेरा यहाँ पे स्क्रू लग जाएगी, तो ये हिलेगा नहीं, ये वाला प्लेट लॉक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी नीचे की तरफ लॉक हो जाएगा। ये वाला असेंबली यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप सीधी रैम वगैरह आएंगे, अलग से एक असेंबली पार्ट में काम करेंगे, और इसको इतना काटने का रीजन ये है कि यहाँ पे आपकी सारे फैन वगैरह का है, डायरेक्ट आप एक्सेस कर सकते हो इस साइड से आप खोल के। ठीक है, तो मैं इसको बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एडिट पार्ट करने से पहले असेंबली को सेव कर लेते हैं। तो हम जो है मेन असेंबली सेव, मेन असेंबली को सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं फाइल में गया, इसलिए मैं बोल रहा था कि आप इस एस को मत लो, ऐसे स्टार्ट करो तभी आप, क्योंकि कभी कभी काटना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे एडिट कंपोनेंट कर दिया, तो मैं देख लेता हूँ कौन सी साइड है, ये वाला साइड है। तो यहाँ से मैं अप्रोक्सीमेटली 15 mm की काट मारता हूँ, 15 थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, पर क्लियरेंस भी सही है, 18 mm मार लेता हूँ मैं। बोथ साइड आई विल डू, बोथ साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों आपको सेंस वगैरह करके देखना पड़ेगा, कोई कभी ट्रायल मारना पड़ता है डिजाइनिंग में। ठीक है, तो सिमिलरली मुझे इस साइड पे काटना है। ठीक है, मैं सेम ऑपरेशन लूंगा, यहाँ पे एलिट फीचर्स लूंगा, मैट में देख लूंगा, ये वाला मैट है मेरा सेकंड वाला है, तो मैं इसको ड्रैग कर लूंगा यहाँ से इस साइड, सिमिलरली यहाँ पे इस साइड में ड्रैग कर लूंगा। आप वो एक साइड भी कर लोगे तो भी चल जाता है, आप देख लेना किस साइड जरूरी है करना आपका, क्योंकि अगर उसके साथ अगर आपकी कोई कमांड जुड़ा हुआ है तो फिर आपके दोनों साइड से आपको दिक्कत करेगा। ठीक है, तो जब भी करोगे इसीलिए साइड से असेंबली, ठीक है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लिया हमने। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये ले लिया है, अब देख पा रहे हो आप, कोई दिक्कत तो नहीं आना चाहिए, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो हम जो है इसको आगे पीछे करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई क्लियरेंस व्यरेंस ना हो तो आपको आगे पीछे करके देखना पड़ेगा। तो मैं इसकी टोटल लेंथ जो है थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो मैं इसको लेंथ बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं इसके लिए जाऊंगा एडिट फीचर्स में जाके, इस जैसे मैं इसको कमांड का सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मैं अब रहा डायमेंशन आ रहा है, तो मैं इसको नहीं करूँगा, सिंपल सिलेक्ट करके यहाँ पे लेंथ बढ़ा दूंगा थोड़ा सा। तो ये आपकी 335 है, 340, थोड़ा सा मैंने लेंथ जो है बढ़ा दिया है 5 mm की। अब उसके बाद जो है आप जैसे हो जाते हैं तो इसको रिबिल कर दो, तो थोड़ा सा लेंथ आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है,
लाइक कुछ इस तरीके से आपको ये करना पड़ेगा। अभी ये जो है मेरा आगे का, यहाँ पे मेरा सीपीयू का जो प्लास्टिक कवर बनाए थे हम, वो प्लास्टिक कवर आएंगे, तो मैं बोल्टिंग वोल्टिंग बाद में करूंगा, इसको फिलहाल के लिए सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप बढ़ सकते हो। जैसे मैंने इसको 15 mm काटा, यहाँ पे काटने का वैसे कोई जरूरत था नहीं। ठीक है, तो अगर काटना चाहते हो तो आप काट सकते हो। ठीक है, बट नहीं काटोगे तो ज्यादा बेटर है, कुछ यहाँ पे कुछ पार्ट होगा तो आप यहाँ पे ज्वाइनिंग वाइनिंग कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने काट के दिखा दिया था उसमें। तो नेक्स्ट जो है मेरा आएंगे प्लास्टिक कवर। ठीक है, तो प्लास्टिक कवर में मैंने इसे प्लास्टिक कवर लिया। एक्चुअल में देखो इसमें दिक्कत सबसे ज्यादा आएंगी कि इसमें ड्राफ्ट है, हर फेस में ड्राफ्ट है प्लास्टिक में। तो जहां पे ड्राफ्ट है आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट आप असेंबली नहीं कर पाओगे, तो आपके लिए उसको कुछ तरीका लगाना पड़ेगा। हम लगाएंगे इसमें, आप देखते जाओ। तो जैसे मेरा ये कंपोनेंट है, इसमें ऑलरेडी एक पार्ट दो पार्ट ऐड है। ठीक है, तो वो भी हम असेंबली कर सकते हैं, बट मैंने उसमें ऐड किए थे इसमें। तो सबसे पहले जो मेरा कंपोनेंट है प्लास्टिक कवर की, मैंने यहाँ पे एक प्लेन ले रखा हूँ क्योंकि ये मेरा ड्राफ्ट में है, तो मैंने यहाँ पे एक प्लेन ले लिया इस एरिया में। अब प्लेन कैसे लेना है देखना है तो आपको फिर आपको दिखा, चलो दिखा देता हूँ मैं इसको। एडिट कॉम्पोनेंट जाओ, दो नाट्स में अगेन कर दो इसमें। ठीक है, जो कंपोनेंट है मेरा एडिट होगी। ठीक है, जो मेरा कंपोनेंट एडिट होगी तो आप जाओ स्कीम, सिंपली जाके इसके फेस में प्लेन ले लो। ठीक है, इसको मैं जीरो कर देता हूँ। लाइक इस तरीके से प्लेन लेंगे, जैसे ओके करेंगे। ठीक है, तो अब मैं इसमें क्या करूंगा, जैसे मेरा एक कंपोनेंट है, अब मैं इसकी जो प्लेन है, ये जो बोल्ट किसमें टच करेंगे, इसके साथ बोल्ट होगा, इसके साथ होल होगा, जो इसके साथ ये ऑटोमेटिकली बोल्ट हो जाएगी, जिसमें कनेक्ट हो जाएगा वो। तो हम जो है इसमें सिंपली प्लेन को सिलेक्ट करूंगा मैं और इसको सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये ड्राफ्ट में है तो आप वो डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो इसको मैं घुमा दिया हूं, तो मेरा फेस टू फेस कॉन्स्टेंट जो है हो गया है। अब दूसरी चीज है दोस्तों, ये है दूसरी चीज, मुझे कॉन्स्टेंट ये लगाना है, इसकी जो सबसे लोएस्ट वाले पार्ट है, जैसे ये है, अब मुझे इस फेस की यूकेल लाना है। ड्राफ्ट है तो डायरेक्ट आप नहीं कर पाओगे, कि ऑलरेडी टेपर में है, तो टेपर करोगे तो ये एंगल पे घूम जाएंगी, फिर नीचे से आप अगर कॉन्स्टेंट करने जाओगे तो फिर ये होगा नहीं, तो इसको हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, और जो सबसे लास्ट वाला है ये वाला, तो इसको भी कर लेते हैं। जो मेरा ये फेस है, तो इस फेस को मैं इसके इक्वल करना पड़ेगा, इसके इक्वल कर दूंगा मैं। कहीं कहीं पे अगर ऑफसेट की जरूरत पड़ेगा तो आप ऑफसेट भी कर लेना। ठीक है, तो देख पा रहे हो आप, ये हो गया है। नीचे से थोड़ा मुझे गैप चाहिए, तो जो मैंने यहाँ पे कोइंसिडेंट किया हो, मैं इसको हाइड कर देता हूँ, बहुत सारा कमांड शो हो जाएगी, लंबा पड़ जाएगा ये। तो इसको अपडेट मांग रहा है, तो अपडेट कर दो। अपडेट तभी करना जब आप सही हो, अगर गलत हो गया, आपने अपडेट कर दिया, फिर वो चीज़ आप अनडू कर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं ये वाला कमांड को करके यहाँ पे मैं 2 का गैप दे देता हूँ। तो ये सॉरी, ये वाला नहीं होगा, इसको मैं 0 ही करना पड़ेगा, ये वाला नहीं है। तो आपका जो है ऊपर वाला होगा, 2 mm जो है हम ऊपर ले जाएंगे। जैसे ऊपर ले जाऊंगा, यहाँ पे टच हो रहा है, तो आपको ये थोड़ा कम करना पड़ेगा। वो करते हैं, हम पहले देख लेते हैं सब कुछ सही है कि नहीं। देख पा रहे हो ऊपर से भी ठीक है, कहीं टच नहीं हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है और यहाँ पे गैप आ रहा है। तो आपको गैप निकालने के लिए क्या करोगे, आप जो लास्ट वाला मेरा कॉन्सिडेंट था, इसमें मैं थोड़ा सा ऑफसेट लगा दूंगा। अगर मैं 1 mm ऑफसेट लगा देता हूँ तो ठीक है, बट यहाँ पे भी मैं 2 mm लगा सकता हूँ, तो इक्वल हो जाएगी पूरा। अब दोस्तों जैसे मेरा यहाँ पे ब्लेंड है, तो ब्लेंड तो मैंने मेजरमेंट किया नहीं थे उस टाइम, डायरेक्ट मैंने बना दिया था, तो ब्लेंड भी मेजरमेंट करना जरूरी है, उसके लिए भी रेडियस कॉस वगैरह आता है। ठीक है, अदरवाइज मुझे इसको काटना पड़ेगा थोड़ा ऊपर से। ठीक है, तो काट ही देते हैं इसको साइड में से। ठीक है, इस पार्ट को भी ऊपर से काटना पड़ेगा, इस पार्ट को थोड़ा सा ना साइड में कम करना पड़ेगा साइड में से। तो हम जो है पहले इसको कर लेते हैं, ये मेरा बेसिक पार्ट यही था। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके इसको मैं 2 mm का कर देता हूँ, 158 mm का कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं एडिट कर देता हूँ, अब अपडेट कर दो इसको। ठीक है, अब देख पाओगे वहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली चीज आ नहीं रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया है। सिमिलरली मैं इसको भी थोड़ा सा 2 mm कम कर दूंगा, इसको भी आप एडिट कर दो,
एडिट पार्ट करके यहाँ पे क्लिक करके आपको डायमेंशन मिल जाएंगे, जो 165 लिया था मैंने, इसको मैंने 163 कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, फिर ये कर देता हूँ तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गैप आ गई, तो हम जो मेरा कॉन्स्टेंट जो है, तो मैं कॉन्स्टेंट को जो है अभी हाइड कर दूंगा। पहले मैं इसको जो मेरा ये ऑन हो रखा है तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये वाला आइचिंग, ये वाला था, ये हाँ ये वाला था जो मेरा कॉन्सिडेंट था, डिस्टेंस दे रखा था मैं, तो इस डिस्टेंस को मैं, सॉरी ये नहीं, ये वाला है, तो मैं दो के जगह में इसको मैं तीन कर देता हूँ। अब देखो कैसा आ रहा है, नहीं और एक आ जाएंगे, 6 mm, 2 mm बनाए थे हमने बस, ठीक है। तो काफी हद तक सुधर गया है, थोड़ा सा है वो भी हटा देंगे, भी वो भी ठीक हो जाएगा। इसको बस थोड़ा नीचे आ जाएंगे क्योंकि मैंने इसका भी साइज कम कर दिया था, तो यहाँ पे नीचे कर दूंगा तो ये भी आपकी हो जाएगा। 2 mm की जगह इसको मैं इन कर देता हूँ, बस ये भी आपकी फिटिंग जो है हो गया प्लास्टिक के साथ बढ़िया से। यहाँ पे देखो कोई टच नहीं हो रहा है, या हो रहा है थोड़ा सा हो रहा है, तो वो आपको ठीक करना पड़ेगा उसको भी। ठीक है, तो इसको आपको ठीक कर दो इसको, या 1 mm इसकी हाइट बढ़ा दो आप। जैसे यहाँ पे मैंने 2 mm गैप दे रखा था, मैं इस गैप को कम कर दूंगा। यहाँ पे 2 mm मैंने गैप दे रखा था, मुझे देखना है कौन सी वाली गैप था ये, फिर हम इसको कम कर देंगे। हाँ ये मेरा 2 mm का गैप दे रखा था, अब इस गैप को मैं 5 mm का गैप था इसमें शायद, 5 को मैं 6 mm कर देता हूँ, ठीक है। तो 6 mm कर दूंगा तो यहाँ पे ये वाला गैप नहीं, ये वाला गैप नहीं, आपको दूसरा वाला गैप लगाना पड़ेगा, ये कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं, 5 mm हो गया, ठीक है। तो गैप जो है आपको यहाँ से लगाना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ा सा आप गैप दोगे, ठीक है, तो या यहाँ से आप उसको काट दो, सबसे बेस्ट तरीका ये है। तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट स्केच मत लेना, पहले एडिट पार्ट करके आपको यहाँ पे स्केच लेना है, ठीक है, कंट्रोल 8। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कट लगाना है, मैं यहाँ से नहीं करूँगा, थोड़ा इनसाइड से करूँगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी कट लगाऊंगा पतली से, देख लेना कि यहाँ पे अलग से फ्लैंज ना हो, फिर आपकी दिक्कत हो जाएगी। मैं 2 mm का फ्लैंज काट दे रहा हूँ, ठीक है, और इसकी जो लेंथ दे रहा हूँ मैं 12 mm का दे रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली मुझे इस साइड भी बनाना है, और ये जो बनेगी आपकी 2 mm की बनेगी, ठीक है। तो इसको एग्जिट करके मैं यहाँ पे सिंपली एक्सट्रूड काट कर दिया, ठीक है। तो एक्सट्रूड काट मैंने यहाँ पे कर दिया, 2 mm की एक्सट्रूड काट हो गई, ठीक है। तो मैं इसको स्केच से एक फिनिश करके एग्जिट कर दिया मैंने, आप देख पाओगे यहाँ पे किसी तरीके से आपकी नहीं होगा, किसी तरीके से कोई दिक्कत वाली चीज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, तो आपकी जो इंटेक्स की बॉक्स है वो हो गया है, ठीक है। यहाँ पे जो हिंज है इसके साथ ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मेरा चीज है इसमें जो मुझे ऐड करना है, साइड कवर ऐड करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे साइड कवर ले आऊंगा, पहले रेफ या लाइट ले आओ कोई इशू नहीं है, तो लेफ्ट वाला ले आता हूँ, लेफ्ट वाले में, ठीक है। ये जो है पहला मेरा, इसको मैंने इसको हाइड कर देखा है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड हो गई मेरा ये वाली, ठीक है। तो मेरा लेफ्ट साइड हो गया आपकी, लेफ्ट साइड, तो ये वाला हम लोग लेफ्ट साइड सही में है, ठीक है। तो मुझे इसको लगाना है, तो लगाने के लिए जो मेरा
ये वाला कंपोनेंट है ये आ जाएगा पीसी की तरफ, ठीक है। तो हम जो है मैथ लगाएंगे सबसे पहले, तो मैथ में मैं इसकी ये फेस सिलेक्ट करूंगा पहले पहले, ठीक है। फिर इसके साथ ये आ जाएंगे टच में, ठीक है। अब इसको रोटेट कर लो सिंपली, कोई इशू नहीं है, रोटेट मूव के नीचे मिल जाएगी यहाँ पे आपको, ठीक है। तो उस तरीके से आपको फिर ये इसके नीचे सूख जाएगा, तो हम इसको नीचे छुपाना है। मैं इस फेस को अभी मैं कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, सिंपली कोइंसिडेंस करके मैं इसको देख रहा हूँ बस, ठीक है। और आपकी ये फेस इसकी फेस की कोइंसिडेंट हो जाएगी, ठीक है। जैसे कोइंसिडेंट हो जाएगी तो यहाँ पे थोड़ा सा आपकी गैप दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको कम कर दिया था, ठीक है। तो हम जो है इसके जगह थोड़ा सा ऑफसेट लगा देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 mm की ऑफसेट लगा दूंगा, इसको मैं 2 mm का ऑफसेट लगा दिया। अब जो है कोई इशू वाली बात नहीं है, इसको भी आपको बढ़ा सकते हो थोड़ा अगर आप चाहते हो, एडिशनली ऐड कर सकते हो बाद में, इसको काटने के लिए काट सकते हो। मैंने 2 mm कम कर दिया इसलिए 2 mm मुझे ऑफसेट करना पड़ रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये चीज आपकी टच हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज टच हो रहा है, ये हम इसको थोड़ा 2 mm आगे करना पड़ेगा, जो मैंने कोइंसिडेंट किया था ये वाला, तो मैं इसको 2 mm आगे कर दूंगा, ठीक है। 2 mm आगे करके देख लो, 2 mm आई थिंक 5 mm के आसपास आगे जाएंगे, ठीक है। मास नहीं आपके टच नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अंदर से सूख जाएंगे, तो इसको हम 6 mm कर देता हूँ मैं, 6 mm इस, ओके। तो इस तरीके से आपकी ये लग जाएगा साइड में, ठीक है। लेंस जो है आपकी यहाँ पे लग जाएगा। और दूसरी चीज़ें दोस्तों ये है, जो हमने इसको फल्टू में जो काट किया है ये आपकी आगे तक आ जाएगा और इसकी लेंथ जो है कम हो जाएगी, ठीक है। तो लेंथ कम करने के लिए हम सबसे पहले इसको जाएंगे एडिट पार्ट में जाके, कितना लेंथ कम करना है पहले तो मेजरमेंट कर लो। मेजरमेंट करने के लिए इवैल्यूएट में जाके, यहाँ से जाके आप इस पार्ट से इस पार्ट तक कितना एमएम का लेंथ दे रहा है, 6 mm कम करना है आपको, ठीक है। तो हम 6 mm ये जगह में 5 mm कर दूंगा, 330, ठीक है। मैं 5 mm कम कर दिया इसमें, तो इसको अपडेट कर दो, 5 mm कम हो जाएगी बहुत अच्छे से, ठीक है। तो मैंने यहाँ से जो ऑप्शन लगाया था इसलिए इस साइड से कम हो गई, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ से जो मेरा डिस्टेंस लगाया था इसको मैं 1 mm कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी 1 mm कर देता हूँ। बस यहाँ पे आप देख पा रहे हो सब ठीक हो रहा है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें एक चीज और देखना है आपको, ये जो अपने हमने फ्लेंज काटा थे, जो मैंने फ्लेंज काटे थे, इसको फ्लेंज को ठीक करना है आपको पहले, तो फालतू में ये काट गई थी तो इसको नहीं काटना था, तो इसको एडिट पार्ट कर दो। और जो अपने ये फ्लेंज काटे थे, ये 15 mm जो लगाए थे, ये इसके लिए आपके ड्रॉइंग जो है बहुत खराब दिखने वाला है, इसको हम 2 mm कर देता हूँ मैं, ठीक है। और इधर भी आपको करना है, इस साइड भी आपको करना है, इसको भी मैं 2 mm तो नहीं करूँगा, इसको मैं 18 की जगह 15 कर दूंगा, ठीक है। फिर आप इसको अपडेट कर दो, ठीक है। तो और आप कर सकते हो इस साइड, देख लो इस साइड ठीक है, इस साइड में कोई दिक्कत नहीं है, बस इस साइड आप और कर सकते हो, ठीक है। 15 की जगह मैं इसको 12 कर देता हूँ, ठीक है। आप इसको अपडेट करके देख लिया करो सही आ रहा है कि नहीं, आप ठीक आ रहा है, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब देख लो आपकी सब सही आ रहा है, बस इसमें थोड़ा सा टच हो रहा है, तो इसको आपको एडिशनली बड़ा करना ही पड़ेगा, ठीक है। या इसको आप काट लो या इसको बड़ा कर लो, दो ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। आप देख लो, दो ऑप्शन है आपके पास, या इसको आगे कर लो या इसको बड़ा कर लो, ठीक है। मैं एक काम करूंगा, या इसको मैं बड़ा कर दूंगा थोड़ा, अभी लास्ट में इसको बड़ा कर दूंगा, पहले असेंबली कर लेता हूँ। उसके बाद जो है मैं, अब मेरा ये वाला पार्ट आ गया है लैब वाला, तो मैं राइट वाला पार्ट ले आता हूँ, ठीक है। तो राइट वाला मैं पार्ट ले आया है इसका भी, अब
मैं इसको भी मैं इस साइड ले आना है। तो सबसे पहले जो है इसमें मैं इसके साथ इसको ठीक है। अब उसके बाद जो है ये पार्ट जो है रोटेट कर लो। ठीक है, तो मैंने इसको रोटेट कर दिया। अब उसके बाद जो है हम दोनों को आपस में मैच कर देंगे। ये पार्ट जो है मेरा इसके लेवल में आ जाएंगे, इसके लेवल में ये पार्ट आ जाएंगे मेरा। अब यहाँ पे इसको बड़ा करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इसमें दिक्कत आ रहा है। इसको मैं हाइड करके दिखा रहा हूँ आपको, फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब आपको इसको थोड़ा अंदर लेना पड़ेगा, ये अंदर चले जाएगा ये, और इसको मैं इक्वल कर देता हूँ। ठीक है, ये आपके अंदर चला गया। ठीक है, बट इसमें तो आपकी प्रॉब्लम आएंगी, ये तो अंदर नहीं जाना है, तो इसको काट करना पड़ेगा आपको। तो इसको मैं पहले जो है ये सेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी दोस्तों असेंबली करोगे ना थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि सारी चीजें ना इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको थोड़ा ध्यान रख के करना है बस। ठीक है, अब सही है आपकी ये असेंबली, यहाँ पे भी देख लो, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो इसका भी इसको मुझे बस हाइट करना है। ठीक है, तो मैं इसको बड़ा कर लूंगा फिलहाल के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा काटना होगा, तो मैं इसको जो है तो मैं यहाँ से जो इसकी लेंथ है थोड़ा कम कर दूंगा, 330 कर दूंगा। ठीक है, तो मैं इसको 330 कर दिया। अब इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, अब देख पाओगे, अब यहाँ पे ये सही तरीके से फिट हो गई। इसको आप अपडेट करके सेव कर दो। ठीक है, सेव ऑल कर दिया मैंने। जैसे मैंने यहाँ से 2 mm कम कर दिए थे, तो इसको मुझे 2 mm बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, तब आपकी असेंबली सही बनेगी। तो इस पार्ट में जाके तो मैं यहाँ पे जो 2 mm मैंने कम किया था 65 ही मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 2 mm मेरा बढ़ गया है वो अच्छे अच्छे ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने काट किया यहाँ पे। अगर फिर आप वो आता रहोगे फिर वो चीज़ खराब दिखने लग जाएगी। तो फिर हम जो मैंने ये जो लेन बनाए थे 18 वाली, इसको भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। 18 के जगह पे हम कर देंगे इसको 12। तो 12 देखो सही लग रहा है आपके। ठीक है, तो सिमिलरली इधर भी आपको है तो उधर भी चीजें वो आपको कर दो। मैं इसको अभी से पहले एग्जिट करके देखता हूँ। हाँ जी, इधर भी बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मैं इधर भी बना लूंगा। तो मैं इसको एग्जिट करके, ये चीज नहीं दिखना चाहिए, जो अलग अलग कलर पे रहेंगे तो वो खराब दिख जाएगी, वो चीज नहीं दिखना चाहिए। तो हम जो है इसको भी मैं इसको फिलहाल 0 कर दूंगा। इसमें मुझे कुछ नहीं दिखाना है, कंप्लीट नहीं दिखाना है, बस यहाँ पे टच हो रहा है वो हम साइज बड़ा कर देंगे, वो आपकी क्लियर हो जाएगी सारी चीजें जितना भी है तो ठीक हो जाएगी। इसको भी थोड़ा मैं एग्जिट करके 2 mm में इसकी एड बढ़ा देता हूँ, 168 mm कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब इसको असेंबल कर लो और इसको सेव कर दो। आप देख पाओगे आप किसी प्रकार की कहीं पे भी वो नहीं हो रहा है, बट इसको कट को बढ़ाना है थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ की इसके बीच में जो हमने डिस्टेंस वाली जो बोलिए थे ना, इसको आपको हटाना पड़ेगा। देख लो कौन सी कमांड थी वो। ओके, यहाँ पे एक्चुअली मैंने ज्यादा बड़ा कर दिया आई गेस। इसको मैं इनसाइड लेना पड़ेगा, इसकी 165 इज फाइन, 166 इज ओके। 2 mm ज्यादा बड़ा कर दोगे तो यह प्लास्टिक में टच होगा, तो प्लास्टिक में टच नहीं होना है, बस ध्यान रखना ये। यहाँ पे जो काट है ऑलरेडी ये फिटिंग है। ठीक है,
तो ये थोड़ा मैं अंदर ले जाऊंगा और ये मुझे अंदर ले जाना होगा। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी मैंने कमन लिए थे, अब देख पा रहे हो दोस्तों ऑलमोस्ट बन चुका है। तो यहाँ पे जो मैंने ले रखा है इसको अंदर ले जाना है बस थोड़ा सा। तो ये लास्ट में कमन पे होंगे, लास्ट के आगे वाले लास्ट कमन में ही होंगे वो। तो यहाँ से यहाँ, जी जी हाँ जी हाँ, इसको 3 mm की जगह इसको मैं 0 कर दे रहा फिलहाल के लिए। ठीक है, तो ये आपका बन गया है इक्वल। यहाँ पे भी कुछ आई गेस लग रखा है, इसको भी हम 0 कर देंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो ठीक कर दिया है। ठीक है, तो ये आपकी बन गया है जैसे सारे थे बन रहा था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टच हो रहा है, तो इस चीज को आप कम कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है। हम थोड़ा अगर हो तो इसको कम कर देते हैं, ऑलमोस्ट 1 mm सफिशिएंट। कभी कभी आप जब डिजाइनिंग करते हो 1-2 mm कम ज्यादा हो जाती है। 4 के आसपास में कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 mm मैं इसमें कम कर दिया हूँ। ठीक है, अब देख लो टच हो रहा है तो आपको ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पे आई गेस यहाँ पे सही हो जाएगी। तो यहाँ कोई जो मैंने कमान लगाया था आई थिंक पहला वाला होगा, जी जी हाँ जी हाँ, इसमें 5 mm का गैप रखा था, इसको मैं 4 mm या 3 mm कर देता हूँ। फिर आप देख लो यहाँ पे टच नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ पहले, तो क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि वो चेंज हो जाए। मैं इसको नया से एक नया कमांड लूंगा, उसके हिसाब से मैं इसको चेंज कर दूंगा। जो मेरा ESS के साथ कमांड बना है तो 5 ही रहने दो। अब मैं जो नया कमांड लूंगा इसके हिसाब से इसको आगे पीछे कर लूंगा, फिर उस कमांड को मैं डिलीट कर दूंगा। लाइक इस तरीके से आप देख लो, जैसे यहां से इसकी कमांड बना है, कितने का आपका बना है 1.5 है, तो मैं इसको 0.7 कर लिया। ठीक है, जैसे मैं करता हूँ बन गई मेरा। अब लास्ट में जो एक कमांड आता है जो मेरा कोइंसिडेंट वाला कमांड था, कौन सी वाली, ये वाली कमांड। अब इसको आप हटा दो या इसमें आप ऑफसेट दे दो, दोनों आपकी मर्जी, जैसे आप करना चाहते हो। देख लिया यहाँ पे गैप आ गई, तो ऐसे भी कर सकते हो आप, जैसा भी कर सकते हो, आपकी आपकी मर्जी है। ठीक है, इसको मैं सेव कर लिया। तो ये जो है असेंबली आपकी बन चुकी है, 42 मिनट की असेंबली बन गई है। ठीक है, ऑलरेडी कलर वालर करना आपको आता ही है, राइट क्लिक करके आप यहाँ से भी आप असेंबली में कलर कर सकते हो, बॉडी में जाके जो भी कलर चाहिए सिलेक्ट कर लो आप। तो मैंने फिलहाल के लिए यही कलर लिया हो। ठीक है, आपको अपने हिसाब से आप कलर चूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यही कलर ले लेता हूँ। ठीक है, कलर कंटेंट वगैरह भी आप डाल सकते हो जो से आप जैसे आप चाहो। ठीक है, तो इस तरीके से हम कलर वाले डालते हैं। प्लास्टिक में अगर मेटल डालना है तो आप मेटल भी डाल सकते हो। ठीक है, जैसे भी आपको डालना है आप सिलेक्ट कर लो। अगर प्लास्टिक की मेटल डालना है तो आप वो भी डाल सकते हो। मैं दिखा देता हूँ कैसे मेटल वगैरह डालते हैं, जैसे ठीक है। तो मेरा ये प्लास्टिक की प्लेट है, तो यहाँ पे आपको जाना है, इसको खोलना है, मेटल में मिलेंगे। तो मैं ये जो है ABS में बनाऊंगा, तो इसको मैं प्लास्टिक में चले जाओ, आप प्लास्टिक में जाओ, फिर आप सिलेक्ट कर लो जो भी ABS है आपको अप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आपकी ABS में आ जाएगा, क्लियर। अब दूसरी जो मेरा ये कंपोनेंट है, जो मेरा ये वाला कंपोनेंट है, वो मैं बनाऊंगा शीट में, बनाऊंगा शीट मेटल में है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जाके मेटल डाल सकते हो। स्टील में मैं SS में बनाऊंगा, लेट्स से मैं SS, तो मैं इसको SS कर दूंगा। ठीक है, सिमिलरली मैं इसको भी, मैं चाहता हूँ इसका भी मैं मेटल डाल दूँ, तो इसमें भी जाके मैं बाकी जो है अंदर वाला जो है मैं MS में बनाऊंगा। ठीक है, तो लाइक इस तरीके से आप कर सकते हो, अपने हिसाब से मटेरियल वगैरह डाल सकते हो। फिर इसकी वेट वगैरह कितना क्या आ रहा है आप सब कुछ निकाल सकते हो, सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, आई थिंक मैंने टॉप प्लेट में ABS डाल दिया, मैंने गलती कर दिया। तो आप टॉप प्लेट में ABS मत डालो, टॉप प्लेट में आप स्टील ही रखो। ठीक है, तो अपना आप वो भी बना सकते हो जैसे आप चाहो। प्लास्टिक पार्ट में मैंने उल्टा कर दिया था, यहाँ पे मुझे ABS डालना है,
तो मैंने यहाँ पे जो है एबीएस डाल देता हूँ प्लास्टिक में जाके, एबीएस ठीक है, और ज्यादा फाइन है। तो ये आज का वीडियो ठीक है दोस्तों, इतना ही था। इसमें मैं आपको अलग से एक चीज और करके दिखा सकता हूँ, जैसे मेरा ये मेरा बन गया है, तो इसको थोड़ा अगर आप चाहते हो बैकग्राउंड वगैरह चेंज करने के लिए आप कर सकते हो ठीक है। प्रोस्पेक्टस व्यू करते हो थोड़ा देखने में आपको चीजें अच्छी लग जाती है ठीक है। अगर आपको चाहते हो कि मैं इसकी बैकग्राउंड चेंज करूँ तो आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो लाइक अब जैसा चाहो ठीक है। तो अल्टीमेटली जो मेरा ऑब्जेक्ट है अब इसको मैं एक्सप्लोडेड व्यू करके दिखा रहा हूँ। एक्सप्लोडेड व्यू में आपको क्या होगा, हर एक चीज आप सिलेक्ट करोगे फिर इसको अगले के हिसाब से आप मूव करोगे ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ठीक है। तो फिर हम इसको साइड में ले आता हूँ मैं ठीक है। तो फिर मैं फिर इसके बाद इसको मैं साइड में ले जाऊंगा। तो फिर इसके बाद आपको इसको मैं अलग से ले जाऊंगा ठीक है। फिर जो है नीचे कंपनी ले जाऊंगा। तो ये अब कुछ इस तरीके से आप इसकी एक्सप्लोडेड व्यू निकाल सकते हो। दोनों पार्ट में वैसे ही रखूंगा, फिर यहाँ पे जाके इसको आप ठीक है। तो एक्सप्लोडेड व्यू जो है अपने हो गया है एक्सप्लोडेड व्यू वाला चीजें ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर ठीक है तो इसको अपने ओके कर दिया मैं टेम्पररी, मैंने इसको ओके करना मैंने भूल गया। यहाँ पे आपको ओके करना पड़ेगा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ दोस्तों, कुछ कुछ करना पड़ेगा इसमें ठीक है। तो मैं इसको ऊपर ले गया, फिर से जाके मैंने इसको ऊपर ले गया, फिर ये वाला चीज मैंने सिलेक्ट करके मैंने इसको इस साइड ले गया, ये वाला मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा पहले तो ये ले जाऊंगा ठीक है। ये आपको सिलेक्ट करके मैं इसको इधर ले आता हूँ ठीक है। जैसे आप चाहो, जिसको जैसे आप सिलेक्ट करोगे वैसे ही आएगा ठीक है। तो आप सिलेक्ट करने में अगर आप गड़बड़ी करोगे तो फिर आगे भी से सिलेक्ट करने में भी दिक्कत आएगा ठीक है। इसको मैं इधर ले आता थोड़ा सा, तो आप जैसे चाहो ओके कर दो, फिर आप यहाँ पे जाओ ठीक है। यहाँ पे आपको अलग से सॉरी प्लास्टिक में नहीं मिलेंगे वो चीजें, आपको मिलेंगे ऊपर सबसे वाला, यहाँ पे जाके आप एनिमेट कोलाज कर दो ठीक है। तो हर एक चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ऐसे आप देख सकते हो सारे असेंबली में, और इंटरफेरेंस वगैरह देखने के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो कमेंट करो ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में, थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, तो ये मेरा फाइनल असेंबली हो चुका है। अभी इसकी जो नट होगा बोल्ट होगा हम इसकी पोजिशनिंग करेंगे। तो पोजिशनिंग हम इसकी तरीके से करते हैं, तो मैं आ चलिए मैं दिखाता हूँ इसमें कैसे करना है ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना जो व्यू है, जो मेरा ये व्यू है, मैं प्रोस्पेक्टस व्यू को ऑफ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे गया, सबसे पहले मैं इसकी बोल्टिंग करना चाह रहा हूँ ठीक है। तो मैं इसको जाके यहाँ पे मैं आपको स्केच, डायरेक्ट स्केच नहीं लेना, एडिट पार्ट करना सिंपली ठीक है। तो एडिट पार्ट करोगे तो यहाँ पे मैं कंट्रोल एक कर दिया। तो यहाँ पे जैसे आप किसी कहीं पे आप बोल्ट लगा रहे हो नट लगा रहे हो तो उसका भी स्टैंडर्ड होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं इन द सेंस आप M5 का लगा रहे हो M6 का लगा रहे हो ठीक है। तो इसमें भी आपके पता होना चाहिए कितना स्टैंड आ रहा है M5 का ठीक है, कितना ये वेट, कितना डेडलिफ्ट का लेंथ है, कितना जो वेट है वो ले पाएगा कि नहीं। तो वो चीज आपको देखना होता है, इसके हिसाब से भी करना पड़ता है, और कितना टेम्परेचर बेयर कर लेगा, कुछ कुछ पैरामीटर के थ्रू आपको जाना होता है। तो वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं इसको मिरर कर देता हूँ ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 वोल्ट लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको मैं करके एक्सट्रूड काट कर दिया ठीक है। तो इसको सिंपली मैं यहाँ पे एक्सट्रूड काट कर दे रहा हूँ ठीक है। मैं आपको 2-3 बना के दिखाऊंगा ठीक है, बाकी आप लोग को खुद बनाना है, क्योंकि मैं वीडियो लंबा ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, तो और लंबा नहीं करना चाह रहा मैं यहाँ पे ठीक है। तो मैं यहाँ बना लिया, फिर मैं यहाँ पे जाके इसको एडिट पार्ट करूंगा इस कॉम्पोनेंट को, फिर यहाँ पे मैं स्केच लूंगा, फिर यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेंगे कॉन्वर्ट एंटिटी ठीक है। तो कॉन्वर्ट एंटिटी में जाके दोनों स्केच को सिंपली, तो यहाँ पे मैं जाके ठीक है, तो जैसे कॉन्वर्ट एंटिटी नहीं लेता है तो हम यहाँ पे स्केच बनाएंगे कंट्रोल 8। तो इस पे मुझे सेंटर मिल जाएंगे दोनों भी
मेरा ये सेंटर मिल गया है बस का, तो दोनों के ऊपर मैं मिरर भी मार सकता था, ऐसे मैं बना लूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसकी जो है बोल्टिंग करके जो नट लगेंगे इसके लिए मैं उसको काट करके रख दिया है। ठीक है, ठीक हो गए, यहाँ पे मेरा ये हो गया है, तो इसको मैं गिर कर देता हूँ। तो दोनों के लिए मैंने यहाँ पे वो कर दिया है। उसके बाद जो ऑप्शन आती है मेरा दूसरी, जो मेरा यहाँ पे बोल्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे भी ऑलरेडी है, तो मैं इसको भी बना देता हूँ। सिमिलरली मैं उस ड्रॉइंग पे ही बना सकता था, स्केच ले लेता हूँ, कंट्रोल ए मैं कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कौन बैड इंजरी नहीं ले रहा, तो आपको स्केच लेना पड़ेगा 70 निकाल के 5 mm सबकी। ठीक है, ऑलरेडी ये हम मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है, तो मैं थोड़ा चेंजेस किया हूँ प्लास्टिक के कुछ कुछ। ठीक है, तो जिसको शीट मेटल की इसकी ड्राफ्टिंग करना नहीं आता है वो मेरा पहला वाला वीडियो देख सकता है, वहां पे मैंने बता रखा हूँ कैसे शीट मेटल की ड्राफ्टिंग करते हैं, क्या क्या पैरामीटर आपको लेना पड़ता है, मैं इस ऑलरेडी वीडियो में डाला हूँ, तो वो जाके वहां पे देख सकते हैं, इसको भी नहीं आता होगा। ठीक है, तो लाइक इस तरीके से हम इसकी अब देख पाओगे, यहाँ पे आपकी बोल्ट हो गई है। ठीक है दोस्तों, ये अलग से फ्लैंज है जो साइड में निकल के आएगा, अंडर से घूम के आएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे बोल्ट हो गई मेरा, यहाँ पे देख पाओगे आप बोथ साइड हो गया। तो इस तरीके से आप सब में, जैसे इसके अंदर जाओगे फिर आप इसके अंदर भी आपको करना पड़ेगा, इसको मैं हाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको उसको लगाना पड़ेगा, तो इस पार्ट के लिए आप इस पार्ट को एडिट करोगे। ठीक है, तो हम इस पार्ट को मैं हाइट नहीं करना था, इस पार्ट को मुझे एडिट करना है, एडिट पार्ट करके यहाँ पे भी आप स्केच लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्केच लेंगे, यहाँ में मैं दो नट बनाऊंगा, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 3 का बनाऊंगा, और यहाँ से सेंटर टू सेंटर आप डायमेंशन दे सकते हो। ठीक है, सेंटर टू सेंटर मैं जो डायमेंशन दूंगा इसकी 4 mm की अप्रोक्सीमेटली मैंने दे दूंगा यहाँ पे, और क्योंकि ऊपर से मेरा थोड़ा गैप रहता है हमेशा, तो मैं इसको जो है 15 का लेंथ दे दिया हूँ। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी 3 का बनाऊंगा, और इसको मैं देऊंगा साइड से, जो आपस में जो डिस्टेंस आएंगे वो आपकी 30 mm का आएगा। ठीक है, तो अब मैंने ये बना लिया है, अब इसको मैं सिंपली कट कर देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जैसे काट करते हो आप, यहाँ पे भी आपकी कुछ कुछ चीजें हैं, तो आप यहाँ पे भी वो चीज को एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको काट कर दे रहा हूँ, क्योंकि तो मैं स्केच में हो रखा कट जो रखा है, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस तरह मुझे कोई फ्लैंज नहीं है, तो इसके लिए मैं जो है यहाँ पे 2 mm ही कट करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा इसकी सपोर्ट अलग है और मुझे उसकी सपोर्ट अलग है, तो दोनों को मुझे अलग अलग करना पड़ेगा सपोर्ट के लिए, तो मैं इसको एग्जिट कर लेता हूँ। सिमिलरली मुझे इसमें जाके रिच कर लेता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं स्केच लेके फिर आपको यहाँ पे दोबारा आपको स्केच बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं 3 mm की वो बना लेता हूँ, यहाँ पे भी मैंने 3 mm का वो बना लिया, आप एग्जिट करो। जब दोस्तों ये जब आप जो जैसे होल्ड करते हो ना, ये चीज सबसे लास्ट में कर लेगा, क्योंकि अगर पहले आपने इसको कर लेते हो फिर बाद में अगर आपको कोई दिक्कत होती है, मतलब दिक्कत इन द सेंस आप कोई असेंबली कॉन्स्टेंट के साथ छेड़खानी करते हो, तो ये सारा चीजें हिल जाएगा, तो ये फाइनल प्रोसेस होता है। जब आप फाइनल एकदम आपकी ड्रॉइंग जो रेडी है करने के लिए, तो उस टाइम में आप कर सकते हो, ये फाइनल प्रोसेस होते हैं, तो अब जब लास्ट तभी करना ये। और यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा वेल्डिंग भी हो सकता है, स्पॉट वेल्डिंग भी हो जाएगा, या अदरवाइज अब इसमें बोल्टिंग भी कर सकते हो नीचे से, लेकिन बोल्टिंग करेंगे नीचे से खराब दिखेंगे, स्मूथ वेल्डिंग वगैरह कर देंगे इसमें हम। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा हो गया है। ठीक है, और इनसेट आपके इनसेट से लगेंगे। ठीक है,
तो जो जो मेरा डायग्राम है हाई जो रखा है मैं इसको शो कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको शो कर लेता हूँ। तो ये मेरा हो गया, यहाँ पे अंदर से भी मुझे करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी होगी, इस तरफ भी होगी, कुछ इस तरीके से आपको नट बोल्टिंग वगैरह करना पड़ेगा। फिर इसमें आपको सॉलिडवर्क्स में जाके यहाँ पे आपको लाइब्रेरी से आप डाल सकते हो, जिसको नट बोल्ट वगैरह डालना है वो खुद डाल सकते हैं अपने लाइब्रेरी में जाके। तो इतना तो आप कर ही लोगे। तो ये इतना ही था। ठीक है, जिसको जिसको नहीं आता है वो डाल लेना इसमें जाके, आप अपने अपने डाल सकते हो लाइब्रेरी वगैरह। अगर नहीं आता है तो बताना मुझे, किसी एक वीडियो में मैं कवर कर दूंगा इसको। ठीक है, तो इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर कोई कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको चुईज वगैरह जो है हम ऐड कर लेंगे, इसमें मैं ऐड नहीं किया हूँ। ऑलरेडी वीडियो आपकी 4-5 घंटे की बन गया है। तो चलो आज के लिए इतना ही है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करो। कोई अगर किसी चीज का समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो अगर इसमें कोई आपकी डाउट है, जो अगर कोई किसी को अगर डाउट आ रहा है जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है जिसको ट्रेनिंग चाहिए, वो मेरे से जुड़ सकते हैं। हम लोग की ग्रुप चलती है, ट्रेनिंग भी हो जाएगी आपकी। फिर किस कंपनी में अगर आपको प्रोजेक्ट भी बनवाना है वो भी आपको हो जाएंगे। कैसे भी अगर कोई भी कैसे भी प्रकार की आपकी प्रॉब्लम हो, हम रेडी है। ठीक है, हमसे जुड़िए। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। जय हिंद।